everyone, welcome to Unacademy, and yes, we are back with another chapter. So welcome, and yes, you can use my code SMRAN to get 10% off on any subscription. So let's start. My name is Smriti. I am your science educator for 7 students on this channel, that is Class Apart. I hope you have subscribed to the channel for all the updates. So yes, I've done my master's from Jamia Hamdard and my bachelor's from Delhi University. I have 4 plus experience from 6 to 12 classes and mentored over thousands of students. And now I am here to solve all your doubts. Okay, so let's move on. And aaj hum kaun sa chapter karne wale hai? Today we are going to do chapter number 11. We have already done from chapter number 1 to 10 for all the 7 students. Okay, this is your 7th CBSE class syllabus, that is chapter number 11, Transportation in Animals and Plants. ओके सो यू हैव टू रिमेंबर दिस कि 1 से 10 तक मैं चैप्टर्स ऑलरेडी वन शॉट ले चुकी हूँ, वन शॉट रिविजन कर चुकी हूँ मैं इन सारे चैप्टर्स का 1 से 10 तक. अगर आपने नहीं देखा है तो आप मेरी प्लेलिस्ट देख सकते हो इस चैनल में. यू विल फाइंड ऑल द चैप्टर्स इन वन प्लेलिस्ट. ठीक है, सो 1 to 10 इज ऑलरेडी डन. ठीक है, वी आर गोइंग विद चैप्टर नंबर 11, दैट इज ट्रांसपोर्टेशन एनिमल्स एंड प्लांट्स, एंड वी आर गोइंग टू डू अदर चैप्टर्स ऑल्सो. ऐसे ही हमारा कंटिन्यूशन चलेगा. आई एम सो सॉरी फॉर बीइंग अ लिटिल इनएक्टिव. मैं बीच में आप सबके लिए ये वन शॉट नहीं ला पाई. आई एम सो सॉरी, आई वॉज अ लिटिल बिजी. बट अब से आई प्रोमिस ये आपका कंटिन्यूशन में रहेगा, सिंस वी हैव हाफ ईयरली कमिंग अप. सो आई वॉन्ट टू कम्प्लीट ईच एंड एवरी चैप्टर का वन शॉट. ठीक है, आज हम शुरू करने वाले ट्रांसपोर्टेशन एनिमल्स एंड प्लांट्स. नाउ बिफोर स्टार्टिंग, यू ऑल नो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ट्रांसपोर्टेशन, राइट? अगर आपको नहीं पता तो हम इंट्रोडक्शन से ही शुरू करेंगे. लेट मी डिस्कस कि हम आज क्या करने वाले हैं. सो बेसिकली वी आर गोइंग टू गो विद द इंट्रोडक्शन एंड देन वी गो विद द सर्कुलेटरी सिस्टम. सीधे सर्कुलेटरी सिस्टम में जाएंगे. दैट मीन्स कि एक्चुअली सर्कुलेशन किसी भी चीज़ का एनीथिंग कैसे होता है आपकी बॉडी में, विद इट्स ब्लड, फंक्शंस ऑफ ब्लड, आर्टरी वेन्स, प्लस रेट क्या होता है आपका, पल्स का रेट क्या होता है, ब्लड ग्रुप्स कैसे डिसाइड होते हैं कि किसका ब्लड ग्रुप क्या है, और हम डोनेशन कैसे करते हैं ब्लड का. ठीक है, एनिमल्स एंड समरी ऑफ कोर्स. तो ये आपके सारे टॉपिक्स कहाँ से, आपके चैप्टर से ही है, दैट इज चैप्टर नंबर 11. एंड सर्कुलेटरी सिस्टम, ब्लड हो, उसके फंक्शंस क्या होते हैं, ब्लड के अंदर एक्चुअली होता क्या है और वो क्या क्या ट्रांसपोर्ट करता है अलग अलग ऑर्गन्स में और क्या क्या वापस लेके आता है हमारे हार्ट के पास. सो बेसिकली वी आर ऑल्सो गोइंग टू डिस्कस अबाउट द हार्ट, हार्ट का स्ट्रक्चर और बेसिकली हमारा हार्ट कैसे वर्क करता है टिल द डे हम, अगर हमारा हार्ट स्टॉप हो जाए तो बेसिकली सब कुछ बंद हो जाएगा. ठीक है, हमारा ब्लड सब कुछ, एवरीथिंग विल बी राइट अवे बिल्कुल स्टॉप हो जाएगा. ठीक है, सो एनिमल्स हो, एनिमल्स की बात भी करेंगे, ह्यूमंस की बात भी करेंगे, एवरीथिंग ऑफ ए लास्ट में हम एक समरी करेंगे. ठीक है, जो भी हमने डिस्कस किया है उसके बारे में. सो आर यू ऑल रेडी, लेट्स गो. ओके, सो ट्रांसपोर्टेशन एनिमल्स एंड प्लांट्स का जब मैं इंट्रोडक्शन की बात करती हूँ तो बेसिकली सबसे पहले माइंड में आता है, मैम ट्रांसपोर्टेशन किस चीज़ का. ठीक है, सो ट्रांसपोर्ट तो आपने डे टू डे लाइफ में देखा ही होगा, हम इधर से उधर जाते रहते हैं, है ना, टू कैरी थिंग्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, बेसिकली हम उसे कहते हैं ट्रांसपोर्ट. एंड द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, अ बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म रिक्वायर्स न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन टू कैरी आउट वेरियस लाइफ प्रोसेसेस. हम सबको पता है कि एक ऑर्गेनिज्म्स का कोई सा भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो आपका, दे रिक्वायर न्यूट्रिएंट्स फॉर देयर ग्रोथ एंड देयर डेवलपमेंट. ठीक है, डे टू डे लाइफ में हमें ये सब चीज़ें चाहिए होती हैं. एंड अ थिंग इज, न्यूट्रिएंट्स हमें इसलिए चाहिए होते हैं सो दैट वी कैन एक्चुअली कैरी आउट ऑल द प्रोसेसेस, लाइफ प्रोसेसेस जिन्हें हम कहते हैं अपनी बॉडी के अंदर. ठीक है, अगर हम खाना ना खाएं, न्यूट्रिएंट्स ना लें तो बाकी चीज़ें करना बंद हो जाएगी हमारी बॉडी में. ठीक है, ज़्यादा दिन हम नहीं टिक पाएंगे. तो बेसिकली न्यूट्रिएंट्स हमें हर प्रोसेस के लिए चाहिए होता है, एंड ऑल्सो वी रिक्वायर न्यूट्रिएंट्स फॉर आवर एनर्जी, और एनर्जी से ही हम बाकी एक्टिविटीज़ डे टू डे लाइफ में कर पाते हैं, हमारी बॉडी भी अंदर वो डे टू डे लाइफ में कर पाती है. So waste products produced due to the various functions inside the body also need to be transported and removed. और ऐसा भी है कि खाना खाने के बाद जो हमने नहीं use करा है उससे जो भी हमारा product बना है उसको भी body से बाहर फेंकना है, तो वो भी body का काम है. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमारी transportation में आज हम पढ़ेंगे, क्या चीज़ हम लेते हैं, intake क्या करते हैं, बाहर क्या फेंकते हैं, everything will be done in this chapter. Therefore, the term transport may be defined as a life process. अगर हम transport को बायोलॉजी के टर्म्स में डिस्कस करना चाहें तो दैट विल बी, ट्रांसपोर्टेशन मे बी डिफाइंड एज अ लाइफ प्रोसेस इन विच अ मटीरियल इज एब्जॉर्ब्ड इन वन पार्ट और द ऑर्गन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म एंड इज कैरिड टू द अदर पार्ट्स इन आवर बॉडी इटसेल्फ. द थिंग इज, ट्रांसपोर्ट का मीनिंग ये होता है कि कहीं पर चीज़ें एब्जॉर्ब हो रही हैं और कहीं पर चीज़ें ट्रांसपोर्ट हो रही है एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन में, राइट? तो कहीं चीज़ें तो वहीं एब्जॉर्ब हो जाती, जो बचा कुचा होता है वो इधर उधर बॉडी में घूमता रहता है.
अदर थिंग इज ये सारी चीज़ें आपकी बॉडी में, चाहे ऑक्सीजन हो, चाहे आपका एनर्जी हो, ये सब आपकी हर ऑर्गन में जाएगा, ठीक है। जहाँ भी ऑर्गन जो भी यूटिलाइज कर रहा होगा आपका, वहाँ वहाँ वो पहुँचेगा बॉडी के अंदर। अभी हम देखेंगे कौन से मटेरियल की बात मैं कर रही हूँ, वेदर इट्स योर गैसेज, योर न्यूट्रिएंट्स, कुछ भी है आपका ऑक्सीजन जो भी कैरी हो रहा है आपकी पूरी बॉडी में, बेसिकली वो कहाँ कहाँ पहुँचता है और हम उसका करते क्या है, हमारे ऑर्गन्स कर क्या रहे हैं उन चीज़ों का, ठीक है, और क्या चीज़ें वो बाहर फेंक रहे हैं। तो ये सब चीज़ें हम इन्हीं चैप्टर में कंप्लीट करेंगे। एंड इन द एनिमल बॉडी दीज फंक्शंस आर कैरिड आउट बाय एन इंटरनल ट्रांसपोर्ट सिस्टम कॉल्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। द थिंग इज हमारी बॉडी में पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम है और सब कुछ लाइक फिक्स है, लाइक इधर से उधर जाना है, इसने इधर से उधर जाना है और फिर यहीं पर वापस रिटर्न होना है। तो ये सब फिक्स्ड है हमारी बॉडी में, तभी हमारी बॉडी एक्चुअली अभी फंक्शन कर पा रही है। सो इट इज़ ऑलरेडी फिक्स, हमें बस पढ़ना है कि भाई ये से ये होता है, इट डज नॉट चेंज, ठीक है, उसका पाथ चेंज नहीं होता। सो इन एनिमल बॉडी दीज फंक्शंस आर कैरिड आउट बाय इंटरनल सपोर्ट सिस्टम, और वो इंटरनल सपोर्ट सिस्टम को हम क्या कहते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम। उसका नाम क्या है, रेड में हाईलाइटेड है, दैट इज सर्कुलेटरी सिस्टम। नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर सर्कुलेटरी सिस्टम। अभी हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, धीरे धीरे करके ना हम हर चीज़ का डिटेल लेंगे, ठीक है, धीरे धीरे करके। ऐसा नहीं कि मैं सीधे जंप कर दूँ कि नहीं ये होता है आपका सर्कुलेटरी सिस्टम, ये हार्ट ऐसे चलता है, तब हमें कन्फ्यूजन हो जाएगी। बेसिकली हम बोलना क्या चाह रहे हैं किसी ऑर्गन के बारे में, ठीक है। तो सर्कुलेटरी सिस्टम के जैसे आपको वर्ड बता ही रहा है, सर्कुलेशन, बेसिकली व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सर्कुलेशन। सर्कुलेशन का मीनिंग होता है टू सर्कुलेट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, और पूरा सर्कुलेट करे बॉडी में बार बार। ऐसा नहीं कि एक साइकिल ले ली एंड इट इज डन, ऐसा नहीं होता, ठीक है। एक बार ऑक्सीजन पहुंचा दे पूरी बॉडी में, बस हमारा काम तो खत्म, ऐसा कुछ नहीं होता। इट हैज टू बी अ साइकिल एंड गैस, आपके पाथ जो फिक्स होंगे, जहां से भी मूव कर रहा है वो मटेरियल, वो फिक्स्ड होगा, वो हमेशा यही साइकिल चलती रहेगी। ना सर्कुलेटरी सिस्टम और अ ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम इज अ मेन ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स। द थिंग इज, जब भी मैं सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करती हूँ या ब्लड की बात करती हूँ, आपका हर चीज ब्लड में मिक्स होता है। आपको पता है आपकी बॉडी में ब्लड बहुत है, हर जगह ब्लड ब्लड फैला हुआ है आपकी बॉडी में। तो कैरी करवाने के लिए भी मैं ऐसी चीज़ ही पकड़ूंगी जो पूरी बॉडी में फैला हुआ है, जिसके कनेक्शंस हर एक ऑर्गन, हर एक पार्ट ऑफ द बॉडी से है, उसी से ही बात करूंगी मैं। जो भी हो जिसका कनेक्शन सबके साथ है, अगर मैं उनको कुछ बोल दूँ या कुछ दे दूँ तो वो पूरी बॉडी में पहुँचा देंगे, है ना। तो उन्हीं से बात करेंगे। दैट इज अ ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम is a main transport system in human beings and animals, and it makes the food, water, oxygen available to every part of the body. यही है वो जो खाना, पानी और ऑक्सीजन को हर जगह पहुंचाता है, हर पार्ट ऑफ द बॉडी में। दैट इज योर ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। हेल्प्स इन रिमूविंग द वेस्ट मटीरियल एज वेल। अब जो चीज़ें पहुंचा रही हैं वो चीज़ें आपकी वो भी रिमूव कर सकती हैं जो हमें नहीं चाहिए, लाइक यूरिया, कार्बन डाइऑक्साइड, वी डोंट रिक्वायर इन आवर बॉडी। ये सब हार्मफुल चीज़ें हैं हमारी। यूरिया स्पेशली इज अ वेरी हार्मफुल सब्सटेंस, हमें नहीं चाहिए, ठीक है। तो हमें क्या चाहिए, ये बॉडी से बाहर चले जाए, ठीक है। तो ये भी कौन पहुंचाएगा, जिसने बाकी चीज़ें पहुंचाई इधर से उधर, वो ये भी ले जाए वापस, ठीक है। तो वही काम हम उन्हीं को दे देते जो कि हमारा ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। तो भाई यूरिया और कार्बन डाइऑक्साइड, ये जो चीज़ें नहीं चाहिए मेरे को, वो वापस पहुंचा दो प्लीज़, बाहर, आउट ऑफ माय बॉडी। नाउ सर्कुलेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ब्लड, ब्लड वेसल्स एंड हार्ट। नाउ बेसिकली इफ आई एम टॉकिंग अबाउट सर्कुलेटरी सिस्टम, तो मैं किन पार्ट्स की बात कर रही हूँ, कौन है वो, यू कैन से मेल मैन या जो भी आप जो बोलना चाहो, जो इधर से उधर पहुँचा रहे, कौन है वो मेरी ट्रांसपोर्ट वाली गाड़ी जो इधर से उधर चीज़ें पहुँचा रही है, वो है मेरा ब्लड, मेरे ब्लड वेसल्स एंड माई हार्ट, ठीक है। तो ये तीन पार्ट्स हैं आपके जो एक्चुअली पूरा सर्कुलेटरी ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम आपका बना रही है, और इन्हीं के बारे में ना थोड़ा डिटेल में बात करें, क्योंकि यही है मेन पहुंचाने वाले हर चीज़ को हर जगह, ठीक है। सो ये डायग्राम है आपका सर्कुलेशन का। इट इन्वॉल्व अ लॉट ऑफ थिंग्स, योर लंग्स टेकिंग इन द ऑक्सीजन एंड गिवन आउट योर कार्बन डाइऑक्साइड, तो वी रिक्वायर लंग्स, ठीक है। पल्मरी वेन्स एंड पल्मरी आर्टरी, दे आर टू थिंग्स, आर्टरी एंड वेन्स, वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दैट ऑल्सो। एंड देन वी हैव कैपिलरीज, छोटी 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 चीज़ें जो आर्टरी और वेन्स को कनेक्ट कर रही हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि जो वेन्स हैं और जो आर्टरी है आपकी, वो दोनों ही काम कर रही है फॉर ट्रांसपोर्टेशन, ब्लड का इधर से उधर पहुँचाना। ब्लड के अंदर चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, मिक्सड हैं, ऑक्सीजन मिक्स है, बाकी चीज़ें मिक्सड हैं, ठीक है। ब्लड को पहुँचाने के लिए कोई पाथ तो होना चाहिए ना, लाइक जैसे कि हम सी वाटर पार्क होता है, You must have seen a water park,
अगर नहीं भी देखा तो कोई नहीं है, चले जाना। तो वहाँ पर स्लाइड्स होती हैं अलग अलग टाइप की, राइट? तो आपने नोटिस किया होगा कि हमें उस स्लाइड के अंदर से होते हुए जाना पड़ता है, ठीक है? सपोज मैं ब्लड हूँ और वो स्लाइड कुछ ऐसी है, ठीक है? तो इट इज शोइंग मी आ पाथ कि मेरे को इधर से उधर फ्लो करके पानी में गिरना है ना। तो ऐसी आपका आर्टरी और वेन्स है जो ब्लड को एक्चुअली सप्लाई कर रहे हैं इधर से उधर, ठीक है? और ब्लड के अंदर चीज़ें मिक्स्ड अभी, तो इन दोनों को कौन ज्वाइन करेगा? जो वेन आर्टरी दोनों ही काम कर रही है ट्रांसपोर्टेशन का, उन दोनों को ज्वाइन करने वाली कोई चीज़ होनी चाहिए बीच में, वो है कैपिलरी। छोटी छोटी वेसल्स होंगी, उन्हें हम कहते हैं कैपिलरी, ठीक है? तो दिस इज अ बेसिक डायग्राम ऑफ ए सर्कुलेशन। अभी हमने डिटेल में अभी गए नहीं हम, बट आपने टर्म्स देख लिया, वेन्स, आर्टरी, कैपिलरीज, लंग्स एंड योर हार्ट, ओके? सो यस, दिस इज द होल पार्ट ऑफ योर सर्कुलेटरी सिस्टम। लेट्स मूव ऑन एंड लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट फैक्ट। नाउ द थिंग वाज सर्कुलेटरी सिस्टम में देयर वर थ्री चीजें, ब्लड, ब्लड वेसल्स एंड योर हार्ट। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द ब्लड फर्स्ट। इट इज अ फ्लूइड टिश्यू, यू मस्ट हैव यू नो एटलीस्ट सीन इट इन द डायग्राम्स, इट इज अ फ्लूइड काइंड ऑफ अ थिंग, ठीक है? आपका जो ब्लड निकलता है तो आप देखते हो बहुत फ्लूई सा, बहुत फ्लोई सा होता है, दैट इज योर फ्लूइड टिश्यू दैट फ्लोज इन द ब्लड वेसल्स। इट इज रेड इन कलर, ऑफकोर्स हम सब ने बचपन से देखा है कि इट इज रेड इन कलर बिकॉज ऑफ द पिगमेंट नोन एज योर हीमोग्लोबिन। विल टॉक अबाउट दैट ऑल्सो, अभी डिटेल में जाएंगे, बट नाउ वी नो कि रेड, इट इज रेड इन कलर एंड इट फ्लोज थ्रू अ नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स इन द होल बॉडी कॉल्ड द ब्लड वेसल्स। अब ब्लड भी आपका ब्लड वेसल्स में फ्लो करता है, ब्लड जो वेसल्स होती हैं बहुत सारी, ठीक है, उनके अंदर आपका ब्लड फ्लो कर रहा होता है एंड इट इज रेड इन कलर। नाउ ब्लड इज पम्प टू एवरी पार्ट ऑफ द एनिमल बाय हार्ट। हम सबको पता है जो हमारा खून होता है, इट इज पम्प टू एवरी पार्ट ऑफ एनिमल, और यू आर टॉकिंग अबाउट ह्यूमन, एनीथिंग, बाय हार्ट। उनका जो दिल होगा वही एक पंप, जो कहते हैं ना पंप करने वाली चीज़ है, वो हमारा हार्ट, वही पंप कर करके प्रेशर दे रहा है कि ब्लड आपका पहुंच। अब जैसे कि बॉडी को कैसे पता चलेगा, अब जैसे मैं सीधे खड़ी हो रही हूँ, इट नीड्स सम काइंड ऑफ प्रेशर टू यू नो पुश समथिंग। जैसे कि मान लो अगर ग्रेविटी या एनीथिंग, कुछ कुछ फोर्स होनी चाहिए जो हम पुश कर सके तो चीज़ें स्लाइड के अंदर जा सके चीज़ें, राइट? तो ब्लड जाए आपकी पूरी बॉडी में, हर पार्ट में, उसका प्रेशर क्रिएट करने के लिए भी हार्ट चाहिए हमें, दैट इज आवर पंप, ठीक है? जो पंप कर रहा है ब्लड को, सो दैट इट कैन रीच एवरी पार्ट ऑफ योर बॉडी, सो दैट योर बॉडी कैन फंक्शन विद राइट न्यूट्रिएंट्स एंड राइट मटेरियल्स दैट वी रिक्वायर फॉर द सिंथेसिस और मे बी एनीथिंग, एनी प्रोसेस, लाइक रेस्पिरेशन कर रहे हैं हम, एनर्जी निकाल रहे हैं, एनी फंक्शन, एनी केमिकल रिएक्शन दैट इज हैपनिंग इन योर बॉडी राइट नाउ, इट इज बिकॉज आपका ब्लड वो रिक्वायर्ड चीज़ें पहुँचा रहा है हर ऑर्गन में जाके, ठीक है? The thing is, a blood आपका blood vessels में flow करता है and it has to be reached to every part. So blood का जो pumping है वो कौन कर रहा है? आपका heart. Heart is responsible for pumping the blood in every part. Pressure से throw करके उसको हर part में पहुँचाता है, ठीक है? और आपका heart pump करता रहता है last तक। अगर हमारा heart pump करना बंद हो गया तो जो हमारा impure blood, जो pure blood है, पहली बात वो mix हो जाएगा और राइट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन और बाकी न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाएंगे आपके ऑर्गन्स को टाइम पे, एंड ऑफ कोर्स हमारी बॉडी फंक्शन करना बंद कर देगी। नाउ ब्लड कंसिस्ट ऑफ फोर कंपोनेंट्स। अब ब्लड के अंदर भी ऐसा नहीं कि ब्लड तो भाई अकेली चीज़ है, जैसे ब्लड, ब्लड वेसल्स एंड हार्ट की बात कर रहे थे हम सर्कुलेशन में, ब्लड के अंदर भी चार चीज़ें प्रेजेंट है, दैट इज योर प्लाज्मा, RBCs, WBCs एंड प्लेटलेट्स। अब अगर मैं ब्लड की बात करूँ या ब्लड की जब भी हमारी टेस्टिंग होती है तो इन सब चीज़ों की काउंट्स गिने जाते हैं कि हाउ मच अमाउंट ऑफ प्लेटलेट्स आर देयर इन योर ब्लड, या WBCs, RBCs कितनी है, या प्लाज्मा कितना है आपकी बॉडी के अंदर। तो ये ब्लड की टेस्टिंग से चारों कॉम्पोनेंट्स निकल आते हैं, ठीक है? सो ये चारों चीज़ें आपकी कहाँ पर हैं? ब्लड के अंदर। पूरा ये चारों को मिला के हम इसे कहते हैं ब्लड, ठीक है? सो ये सब ब्लड वेसल्स में फ्लो कर रही हैं, दैट इज़ ओके, दे हैव देयर ओन पाथ, बट उनके जो चार कॉम्पोनेंट्स हैं वो आपको ध्यान रखने पड़ेंगे। ब्लड किन चीज़ों से बना है? वो है आपके चार चीज़ें, RBCs, WBCs, प्लेटलेट्स एंड प्लाज्मा। प्लाज्मा इज अ लिक्विड, वाइल RBCs, WBCs, प्लेटलेट्स दैट फ्लोट इन इट। तो प्लाज्मा बेसिकली एक लिक्विड है जो इन तीनों चीज़ों को, बाकी तीनों चीज़ों को कैरी करता है। नाउ हम एक एक करके बात करेंगे, डोंट वरी अबाउट दैट, बट एक बार मैं समरी बना दूँ। सो वी हैव टॉक्ड अबाउट ब्लड और ये चार चीज़ें उसकी निकल रही, ठीक है?
नाउ लेट मी सी, सबसे पहला था आपका प्लेटलेट्स, देन यू हैव योर WBCs, दैट इज वाइट ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स, एंड देन यू हैव योर प्लाज्मा द लिक्विड विच कैरीज दीज थ्री. ठीक है, तो ये तीनों चीजों को कैरी करते. ठीक है, और प्लाज्मा इज व्हाट, बेसिकली लिक्विड जो इन तीनों चीजों को कैरी कर रहा है, दैट इज RBCs, WBCs एंड प्लेटलेट्स. तो इन चारों कॉम्पोनेंट से आपका ब्लड बना हुआ है, और ब्लड कहाँ फ्लो करता है, आपके ब्लड वेसल्स में, जो छोटे छोटे ब्लड वेसल्स होते हैं ना, उसमें फ्लो करता है आपका ब्लड. ठीक है, तो दिस वॉज द होल समरी दैट आई वॉज टेलिंग यू कि ब्लड किन चीज़ों से बना हुआ है, और एक एक के फंक्शन अभी पढ़ते हैं कि प्लाज्मा का क्या काम है, RBCs का क्या काम है, WBCs का क्या काम है, प्लेटलेट्स का क्या काम है, और ब्लड इतना इंपॉर्टेंट क्यों है. ठीक है, दिस दीज आर द थिंग्स. और जो मैं आपको पिगमेंट बता रही थी कि ब्लड रेड कलर का क्यों है, दैट इज बिकॉज ऑफ योर हीमोग्लोबिन, वो आपका RBCs में होगा, हीमोग्लोबिन. हीमोग्लोबिन इज अ पिगमेंट जो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है, तभी ऑक्सीजन आपकी पूरी बॉडी में फैल पाता है, क्योंकि RBCs के अंदर है हीमोग्लोबिन, और आपका RBC किसके अंदर है, ब्लड के अंदर, और ब्लड हर पार्ट में फ्लो करता है, ब्लड आपके पूरी बॉडी में फ्लो करता है. तो अगर ब्लड के अंदर RBCs है और RBCs के अंदर हीमोग्लोबिन है जिसके साथ ऑक्सीजन अटैच होता है, ठीक है, तभी ऑक्सीजन आपका पूरी बॉडी में फैल पाता है, क्योंकि ब्लड पूरी बॉडी में जाता है. ठीक है, तो इट ऑल्सो कैरीज योर ऑक्सीजन. तो बेसिकली मैं आपको बहुत डिटेल में बता रही हूँ कि ब्लड के अंदर भी जो RBCs हैं, रेड ब्लड सेल्स, उनके पास होता है पिगमेंट रेड कलर का हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन ही अटैच करता है ऑक्सीजन को जब हम सांस लेते हैं, और जब ये अटैच कर लेता है ऑक्सीजन को, तभी आपका जो पूरा ब्लड फ्लो हो रहा है वो इसको लेके साथ चलता है. और जिन जिन को भी ऑक्सीजन चाहिए होता है फॉर रेस्पिरेशन, ताकि हम ग्लूकोज, सॉरी आई एम गोना राइट इट विद अनदर पेन, या सो ग्लूकोज, हम सबको पता है रेस्पिरेशन का क्या रिएक्शन है, ग्लूकोज जो आप खाते हो वो टूटता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में इन व्हाट, कार्बन डाइऑक्साइड, एनर्जी एंड वाटर ऑफ कोर्स. ठीक है, वाटर आई एम नॉट गोना राइट इट, प्रोडक्ट आपके तीनों ही है, बट एनर्जी बेसिकली चाहिए होती है इस पूरे प्रोसेस को, हम क्या कहते हैं, रेस्पिरेशन. ठीक है, तो रेस्पिरेशन इज अ प्रोसेस वेयर वी ब्रेक द ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन, एंड वी गेट कार्बन डाइऑक्साइड विच इज अ बेस प्रोडक्ट, एंड एनर्जी जो हमारी पूरी बॉडी को चाहिए फॉर द डे टू डे एक्टिविटीज, टू कैरी आउट द डे टू डे एक्टिविटीज. बेसिकली वी नीड दिस एनर्जी फ्रॉम रेस्पिरेशन प्रोसेस. तो उसमें आपको देख रहे हैं ना, यहाँ पर ऑक्सीजन यूज हो रहा है, दैट मीन्स हमें ऑक्सीजन चाहिए, और तभी हम सांस के अंदर भी ऑक्सीजन, तभी हम ब्रीदिंग प्रोसेस से ऑक्सीजन अंदर ले रहे हैं, क्योंकि आपकी पूरी बॉडी को रेस्पिरेशन प्रोसेस के दौरान ऑक्सीजन चाहिए होता है. ठीक है, तो उससे क्या होता है, वो ग्लूकोज ब्रेक हो जाता है और जो रिक्वायर्ड एनर्जी है वो निकल जाती है इन द फॉर्म ऑफ ATP. द थिंग इज, अब इस हीमोग्लोबिन को लेके कौन जाएगा पूरी बॉडी में कि आपका हर ऑर्गन यूज कर सके इसको. द थिंग इज, ऑक्सीजन को कैरी करवाने वाला हीमोग्लोबिन है, और हीमोग्लोबिन पिगमेंट आपका RBCs के अंदर होता है, जो कि आपके ब्लड के अंदर है, और ब्लड आपका पूरी बॉडी में फ्लो करता है इन ब्लड वेसल्स. नाउ द थिंग इज, आपको ये सब तो पता चल गया है, लेट्स कम बैक टू आवर टॉपिक. तो आपको चार चीजें पता चल गई हैं कि ब्लड एक चीज से नहीं बना, इनफैक्ट चार चीजों से बना है, दैट इज प्लाज्मा, RBCs, WBCs एंड प्लेटलेट्स. नाउ लेट्स मूव ऑन टू वन बाय वन की हम चीजें देख लेते हैं. नाउ व्हेन आई से प्लाज्मा, सबसे पहले प्लाज्मा सोच के ना मेरे को फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर याद आ जाता है. वी ऑल नो स्टेट्स ऑफ मैटर तीन होते हैं, बट चौथा पांचवा भी है आपका प्लाज्मा एंड बोस आइंस्टाइन, तो यही बस याद आता है मेरे को. बट इन बायोलॉजी इट मीन्स प्लाज्मा इज इन योर ब्लड, दिस इज अ कॉम्पोनेंट ऑफ योर ब्लड. ठीक है, नाउ इट इज वेरी स्टिकी लिक्विड, बहुत स्टिकी लिक्विड होता है, पार्ट ऑफ द ब्लड विच इज पेल येलो, और येलो कलर का होता है, दिस इज इन येलो कलर. ठीक है, और इसी में ही सारे ये फ्लो करते हैं, योर RBCs, जो बाकी कॉम्पोनेंट्स आपके ब्लड के, WBCs एंड योर प्लेटलेट्स. I'm so sorry about this. Your platelets. ध्यान से सुनना बच्चा, ठीक है? RBCs, WBCs, platelets आपके कौन से fluid में घूमते हैं, जिसे कुछ कुछ carry करवाने के लिए चाहिए होता है ना, कोई fluid चाहिए होता है, वो plasma ही होता है. ठीक है, तो plasma is a yellowish
पेल येलोइश एक्चुअली, पेल येलोइश. मेरी हैंडराइटिंग को क्या हो रहा है? यस, पेल येलोइश, ठीक है, फ्लूइड दैट एक्चुअली कैरीज योर आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स थ्रू आउट योर बॉडी. इट इज वेरी स्टिकी लिक्विड पार्ट ऑफ द ब्लड विच इज पेल येलो इन कलर एंड इट इज 90% वाटर. इसमें 90% पानी होता है एंड 3.5% कॉमन सॉल्ट, दैट इज NaCl. इट कंटेन्स डिजॉल्व सब्सटेंस सच एज डाइजेस्टिव फूड वेस्ट प्रोडक्ट्स, कैरी देम फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द अनदर. ये क्या कैरी कर रहा है? डाइजेस्टिव फूड जो आपने डाइजेस्ट कर लिया है या कुछ भी वेस्ट प्रोडक्ट है वो ब्लड में आपका कोई ना कोई तो कैरी करता होगा ना, बिकॉज यू नो कि ब्लड ही है जो पूरी बॉडी में है और वही आपका वेस्ट प्रोडक्ट भी और रिक्वायर्ड चीज़ें भी कैरी करता है. द थिंग इज RBCs में तो आपका ऑक्सीजन अटैच हो जाता है थ्रू हीमोग्लोबिन, ठीक है, वो तो चलो ठीक है, वो समझ आ गया. हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ अटैच होता है और वो RBCs में है, तो ब्लड का जो कॉम्पोनेंट ऑक्सीजन को लेके घूमता है सारी जगह पूरी बॉडी में, दैट इज योर RBCs. और वेस्ट प्रोडक्ट कौन कैरी कर रहा है? आपका प्लाज्मा, जो फ्लूइड है जो सबको लेके घूम रहा है, पानी है जिसमें 90% और 3.5% कॉमन सॉल्ट है, ये क्या लेके घूम रहा है? वेस्ट प्रोडक्ट. तो अगर कहीं पर ही वेस्ट प्रोडक्ट छोड़ना होगा ना, योर एक्सक्रीशन जो सिस्टम है पूरा हमारा, जो हम डेली करते हैं सो दैट वेस्ट प्रोडक्ट आपका निकल सके बॉडी से, वो लेके कौन घूम रहा है? ब्लड के अंदर, प्लाज्मा, ठीक है. तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि ब्लड की जब हम कॉम्पोनेंट्स की बात करें तो बेसिकली व्हाट आर द फंक्शंस, ठीक है. नाउ लेट्स सी, अब आगे देखते हैं कि प्लाज्मा की तो हमारी बात हो गई है. दिस इज योर प्लाज्मा. ये आपको येल्लो सा फ्लूइड दिख रहा है जो सबको कैरी करके चल रहा है. दिस इज योर बिग ब्लड वेसल जिसके अंदर ब्लड घूम रहा है अभी, ठीक है. और ब्लड कितनी सारी चीज़ों से बना, आप देख रहे हो प्लाज्मा से बना हुआ है. जो आपका येलोइश लिक्विड दिख रहा है सबको कैरी कर रहा है, दैट इज योर प्लाज्मा. एंड देन वाइट ब्लड सेल्स आपको दिख रहे होंगे यहाँ पर, ये आपको ब्लूइश कलर में दिखा रखा है. एंड देन यू हैव योर रेड ब्लड सेल्स, ऑफकोर्स रेड पिगमेंट होता है हीमोग्लोबिन, तो रेड कलर का आपको दिख रहा है, ठीक है. तो दीज ऑल थिंग्स, ये आपकी जो भी है, और फिर आपको प्लेटलेट्स भी दिख रही हैं यहाँ पर, ठीक है. ये आपकी येलोइश कलर की जो डॉट दिख रहे हैं आपको, ये प्लेटलेट्स हैं जो आपका चौथा कॉम्पोनेंट था, ठीक है. सो ये सारी चीज़ें मिला के ना आपका ब्लड बनता है, सारी चीज़ें बना के आपका ब्लड बनता है. एंड ब्लड किस में घूम रहा है? ब्लड वेसल्स में, जो आपको ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स यहाँ पर दिख रहे हैं जो कि पूरी बॉडी में फैले हुए हैं. तो अभी बहुत सारी चीज़ें आने वाली है कि ट्रांसपोर्टेशन किससे हो रहा है, कौन कौन से पाथ है. तो बेसिकली आपको पाथ के बारे में बताया जाएगा, ब्लड कैसे कैरी करता है, कौन कौन से कॉम्पोनेंट्स को क्या कैरी कर रहे हैं, वो सब हम डिस्कस करेंगे. ब्लड के कौन कौन से कॉम्पोनेंट्स हैं जो चीज़ें कैरी करते हैं और क्या कैरी कर रहे हैं. एंड देन यू हैव योर पाथ कि बेसिकली कहाँ से ब्लड किधर को जा रहा है और कैसे जा रहा है. तो हम ये दो चीज़ों की डिस्कशन करेंगे, ठीक है. ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू सेकंड कॉम्पोनेंट्स, उसके बारे में डिटेल में बात करते हैं, दैट इज RBCs. मैंने आई गेस थोड़ा बहुत तो आपको बता ही दिया हीमोग्लोबिन के बारे में. नाउ रेड इन कलर, ठीक है, रेड इन कलर ड्यू टू द पिगमेंट कॉल्ड हीमोग्लोबिन. मैंने आपको बता दिया इसके अंदर हीमोग्लोबिन होता है और हीमोग्लोबिन ही ऐसा प्रोटीन है जो बाइंड करता है ऑक्सीजन को टू ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी. बेसिकली आपके जो RBCs हैं, रेड ब्लड सेल्स, उन्हीं के अंदर एक पिगमेंट है रेड कलर का, जिसकी वजह से उसका रेड कलर भी है, जो कि एक्चुअली अटैच करता है ऑक्सीजन अपने पास. जैसे कि होता है ना, अटैच कर देता है ऑक्सीजन को अपने साथ और पूरी बॉडी में फैला देता है, सो दैट एवरी बॉडी पार्ट गेट्स योर ऑक्सीजन जो आपने ब्रीद इन करा है. द थिंग इज ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड फॉर वेरियस प्रोसेसेस जो हमारी बॉडी के अंदर चलते हैं एंड एवरी पार्ट रिक्वायर्स इट, ठीक है. और जितना तुम एक्सरसाइज करते हो, जितना तुम एनर्जी फूंकते हो, उतना रेस्पिरेशन चाहिए होता है सो दैट और एनर्जी निकले, और एनर्जी चाहिए होगी तो और ज़्यादा ब्लड को ऑक्सीजन पहुँचाना पड़ेगा पूरी बॉडी में सो दैट रेस्पिरेशन जल्दी जल्दी हो सके. और अगर ऐसा नहीं होता तो आपको पता है कि अगर इनकम्प्लीट रेस्पिरेशन हुआ तो लैक्टिक एसिड भी बन सकता है, जिससे हमें क्रैम्स फील होते हैं, दर्द फील होता है. थिंग इज वी रिक्वायर ऑक्सीजन, अगर ज़्यादा रेट में भी हो सकता है, कम रेट में भी रिक्वायर हो सकता है. स्लीपिंग मोड में हमें इतना ऑक्सीजन नहीं चाहिए होता बिकॉज हमारी बॉडी एक्टिविटी कर नहीं रही होती स्लीपिंग मोड में, तो वहाँ पर अगर ऑक्सीजन नहीं भी पहुँचता पूरी बॉडी में जो नॉर्मल रेट है, देन इट्स ओके, ठीक है, नॉर्मल रेट ठीक है. बट एक्सरसाइज का अगर मैं कंपैरिजन करूँ विद द स्लीपिंग मोड, तो एक्सरसाइज में आपको ज़्यादा चाहिए होता है एनर्जी और आपका और पंप कर रहा होता है हार्ट ब्लड, ठीक है, कि ज़्यादा ऑक्सीजन पहुँचे आपकी पूरी बॉडी में. क्योंकि कैरी तो ब्लड ही कर रहा है सारा ऑक्सीजन, और पंप कौन कर रहा है? आपका हार्ट. तो आप देखोगे अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हो ना बहुत ज़्यादा, तो आपका हार्ट और तेज़ से पंप करने लगता है और आपका पल्स रेट बहुत इंक्रीज होता है. वो इसीलिए सारा मेन चीज़ ही यही है कि ऑक्सीजन को पहुंचाना है हर पार्ट में,
और वो काम सिर्फ आरबीसीज कर सकते हैं ब्लड के अंदर। अब ब्लड को पहुंचाने के लिए हमें पंप और करना पड़ेगा हार्ट को, इसीलिए एक्सरसाइज के टाइम पे आप देखो कि आपकी हार्ट बीट बहुत तेज हो जाती है, ठीक है। ओके, नाउ हीमोग्लोबिन इज अ रेड प्रोटीन जो कि बाइंड करता है ऑक्सीजन को सो दैट ट्रांसपोर्ट हो सके हर पार्ट में अल्टीमेटली टू ऑल द सेल्स। इट इज द प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन विच मेक्स द ब्लड अपेयर रेड। मैंने बताया इसी पिगमेंट की वजह से रेड कलर का ब्लड होता है आपका। एंड व्हेन हीमोग्लोबिन बाइंड्स विद द ऑक्सीजन इट फॉर्म्स ऑक्सीहीमोग्लोबिन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। लेट मी चूज वन हाइलाइटर। नाउ थिंग इज आप पूछो कि मैम अगर हीमोग्लोबिन नहीं होता तो क्या हमारा ब्लड रेड कलर का नहीं होता? यस, तब हमारा शायद ब्लड किसी और कलर का भी हो सकता था, क्योंकि पिगमेंट जो है वही कलर देता है किसी चीज को। तो अगर पिगमेंट हीमोग्लोबिन रेड कलर का है तभी आपका ब्लड भी पूरा रेड कलर का है। अगर कोई और पिगमेंट होता मिक्स होता तो मे बी कलर अलग होता आपका। बट आपने देखा होगा हर एनिमल का कलर जो ब्लड का होता है वो रेड नहीं होता, बिकॉज उनके पिगमेंट का कलर चेंज हो सकता है, पिगमेंट का कलर कुछ और हो सकता है, जरूरी रेड ही होगा, ठीक है। ओके, सो व्हेन हीमोग्लोबिन, अब बात ये है कि जब हीमोग्लोबिन बाइंड कर रहा है ऑक्सीजन के साथ तो क्या वो अपने आप को चेंज कर रहा है? सो व्हेन हीमोग्लोबिन बाइंड्स विद द ऑक्सीजन इट फॉर्म्स ऑक्सीहीमोग्लोबिन। तब हम क्या कहते हैं कि हीमोग्लोबिन क्या बन चुका है? ऑक्सीहीमोग्लोबिन विच ट्रांसपोर्ट टू वेरियस बॉडी पार्ट्स एंड द कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम वेरियस बॉडी पार्ट इज ऑल्सो ट्रांसपोर्टेड बैक बाय बाइंडिंग अगेन विद द हीमोग्लोबिन एंड इट फॉर्म्स कार्बोऑक्सी हीमोग्लोबिन विद CO2 एंड इट इज एक्सपेल्ड आउट। नाउ काम सारा हीमोग्लोबिन का ही है, चाहे आप बोलो कि ऑक्सीजन कैरी करवाना है, चाहे आप बोलो कि CO2 को एक्सपेल आउट करना है, ठीक है, चाहे CO2 को बाहर फेंकना है या ऑक्सीजन को पूरी बॉडी में पहुंचाना है, दोनों के दोनों काम किसके हैं? हीमोग्लोबिन के, जो हमारे रेड पिगमेंट है RBCs के अंदर, इसी का काम है ऑक्सीजन को कैरी करवाना और CO2 को बाहर फेंकना। तो जब वो ऑक्सीजन के साथ होता है तो वो बन जाता है हीमोग्लोबिन आपका ऑक्सी हीमोग्लोबिन, इट इज रिटन ओवर हियर। एंड जब वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ होता है तब वो क्या बन जाता है? कार्बोऑक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक है, कार्बोऑक्सी हीमोग्लोबिन। जब भी वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ होगा तो एक अलग कंपोनेंट बना रहा है, और जब वो ऑक्सीजन के साथ बाइंड कर रहा है तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना रहा है। इट इज़ वेरी इजी टू रिमेंबर, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन का है तो इट इज कार्बोऑक्सी, ठीक है। कार्बो वर्ड कहाँ से आया? कार्बन से, और ऑक्सी वर्ड इज फ्रॉम द ऑक्सीजन, और जो सिर्फ O2 है दैट इज ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन जैसे से अटैच हो रहा है दो चीजों के साथ, वो अपने नाम भी चेंज कर रहा है, दैट इज अपनी प्रॉपर्टीज चेंज कर रहा है थोड़ी देर के लिए। जैसे एक्सपेल आउट हो जाएगा वो वापस से हीमोग्लोबिन बन जाएगा, ठीक है। नाउ लेट्स मूव ऑन, दिस इज योर रेड ब्लड सेल्स, ठीक है, एंड दिस इज द होल कॉम्पोनेंट, ठीक है। अब आपको पता है हीमोग्लोबिन की जब मैंने बात करी है ना बच्चा, हीमोग्लोबिन ही कैरी करवा रहा है दोनों चीजें, कार्बन डाइऑक्साइड हो ऑक्सीजन हो, उसके अंदर ना हीम होता है, दैट इज हीमो का नाम जो बना है वो हीम ग्रुप होता है आपका, आयरन ग्रुप। तभी हम कहते हैं ना हमारे ब्लड के अंदर आयरन है। बहुत डिटेल में चले गए ना, ब्लड, फिर RBCs, फिर योर हीमोग्लोबिन, देन योर हीमोग्लोबिन के बाद में क्या बोल रही हूँ आपको कि उसमें हीम ग्रुप है आयरन जो एक्चुअली बाइंड कर, ठीक है। तो ये जो 2% आपका आयरन होता है ब्लड के अंदर, ये यहीं पर ही प्रेजेंट होता है RBCs के अंदर, ठीक है। दिस इज द होल फ्लो चार्ट जो मैं आपको बताना चाह रही थी। आई होप आपको समझ आ गया कि RBCs क्या होती है, प्लाज्मा क्या होता है। लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड, दैट इज योर WBC। लेट मी ड्रिंक सम वाटर फर्स्ट, यू कैन रीड दिस। ओके, WBCs। नाउ वाइट ब्लड सेल्स आपके कैसे होते हैं? यहाँ पर दिख रहे हैं आपको WBCs साथ में चल रहे हैं ब्लड के अंदर, राइट। ये पूरा ब्लड वेसल है मेरे पीछे, और उसमें RBCs, प्लेटलेट्स, WBCs, प्लाज्मा, ऑफ कोर्स द लिक्विड, ये सब एक साथ चल रहा है। लिक्विड आपको दिख नहीं रहा होगा। तो WBCs की अगर मैं सिर्फ बात करूँ तो इट फाइट्स अगेंस्ट द इन्फेक्शन एंड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द डिजीजेस। ये हमें प्रोटेक्ट करता है इन्फेक्शन से, and it also protects us from the
डिजीजेस. द थिंग इज, इसमें बस सिंपल सी भाषा में यही बोलना चाहूंगी कि इन्फेक्शन होता है हमें कभी भी कोई भी डिजीज हमारे अंदर घुसती है. सो WBC सबसे पहले आ जाता है हमें बचाने, जो ब्लड के अंदर है. ब्लड के अंदर है तो दैट मीन्स एक सफिशेंट अमाउंट तो हमारे अंदर WBCs की होगी. तो जब भी आपकी बॉडी कभी भी सफ़र करती है किसी भी डिजीज़ की वजह से या इन्फेक्शन की वजह से, सबसे पहले आ जाते हैं आपके WBCs. बिल्कुल प्रोटेक्शन देने आपके सबसे पहले पहुँच जाते हैं. दे ईट अप द जर्म्स, बैक्टीरिया को खा जाते हैं बिल्कुल, एंड दैट कॉज द डिजीज. जो आपके बैक्टीरिया जर्म्स होते हैं डिजीज कॉज करने आया था आपके बॉडी के अंदर, WBCs जाके क्या करते हैं, उनको खा जाते. WBCs also make antibodies. आपको पता होगा, आपने आजकल सुना भी होगा कि हम वैक्सीन्स क्यों लगाते हैं. बेसिकली हम अपनी बॉडी को बता रहे हैं कि ये डिजीज़ अगर आए तो एंटीबॉडीज़ बना के रखो. मतलब एक तरीके से ये कि एंटीबॉडीज़ फाइट करती हैं उस डिजीज़ को, ना हो आपकी बॉडी के अंदर जर्म्स इन्फेक्शन ना पहुंचा सके, फैला ना सके आपकी बॉडी में. एक तरीके से आपकी बॉडी खुद ब खुद एंटीबॉडीज़ बनाती सो दैट वी कैन फाइट अगेंस्ट दैट इन्फेक्शन. द थिंग इज, वो एंटीबॉडीज बनेंगी कैसे अगर डायरेक्टली बहुत ज़्यादा आपके जर्म्स और इन्फेक्शन आ जाता है और टाइम नहीं मिलता बॉडी को एंटीबॉडीज इतने बनाने का, तो हम सफ़र कर सकते हैं उस डिजीज से. द थिंग इज, अगर वैक्सीन के थ्रू अगर हम ऐसा कर सके कि एंटीबॉडीज आपकी बॉडी में पहली बन जाए डिजीज होने से पहले, एंटर होने से पहले अगर आपकी बॉडी एंटीबॉडीज बना रहा है, तो दैट मीन्स आप फाइट करने के लिए रेडी रहोगे. मतलब जब भी वो डिजीज अंदर या जर्म्स आपके एंटर होंगे आप रेडी रहोगे, ठीक है, बिकॉज एंटीबॉडीज आर देयर. Now that fight the infection, the number of WBCs is quite less than RBCs. अगर मैं compare करूँ blood के अंदर RBCs और WBCs की amount को, तो WBCs थोड़े से कम होते हैं RBCs से. And WBC can change their shape and move on their own. They can also change their shape ऐसे ऐसे करके and they can move on their own. ठीक है, उनको कोई दिक्कत नहीं होती, उनको कोई force नहीं चाहिए होती, they can move on their own and they can squeeze out of the blood vessels to reach any part of the body. वो खुद ब खुद अपने आप को मूव करके ब्लड से, ब्लड वेसल से, जो जिस पाथ में वो चल रहे हैं, अपने आप को ब्लड वेसल से अलग करके किसी भी पार्ट ऑफ द बॉडी में पहुंच सकते हैं, ठीक है, एंड दे कैन फाइट द इन्फेक्शन. जिस भी पार्ट ऑफ द बॉडी में चोट लगी है, कहीं से भी इन्फेक्शन जहां अंदर एंटर हो सकता है, वो वहां फटाफट पहुंच जाते हैं सो दैट दे कैन फाइट एंड मेक एंटीबॉडीज सो दैट वी कैन बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम द पर्टिकुलर इन्फेक्शन या डिजीज. तो हमारी जो प्रोटेक्टर है वो कौन है, WBC, जो कि ब्लड के अंदर है, दैट इज वाइट ब्लड सेल्स. आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू कि हमारे जो फाइटर्स हैं बॉडी के अंदर, दैट इज योर WBC, दैट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम एनी काइंड ऑफ डिजीज और इन्फेक्शन. ठीक है, दे क्रिएट एंटीबॉडीज इन योर बॉडी एंड दैट फाइट्स योर इन्फेक्शन. नाउ लेट्स सी द प्लेटलेट्स. अगर मैं चौथे कॉम्पोनेंट की बात करूँ हमारे ब्लड के अंदर, दैट इज योर प्लेटलेट्स. नाउ प्लेटलेट्स का क्या है कि दे आर वेरी स्मॉल. ठीक है, आपने देखा भी होगा छोटे छोटे होते हैं, काफ़ी इरेगुलर शेप भी था उनका. ऐसा कोई ऐसा मैं आपको दिखाती हूँ, अगर मैं ये बोलूँ कि ये जो है आपके जो पर्पल कलर के दिख रहे हैं आपको प्लेटलेट्स, बड़ी इरेगुलर शेप है इनकी, है ना. तो इनकी शेप बहुत इरेगुलर होती है, बहुत छोटे छोटे होते हैं एंड दे आर टाइनी फ्रेगमेंट्स ऑफ स्पेशल सेल्स फॉर्म इन द बोन मैरो. तो ये बोन मैरो में बनते हैं. बेसिकली बोन मैरो में आपके अलग अलग टाइप के टिश्यूज बनते हैं, आपके RBCs भी बनते हैं, आपके WBCs भी बनते हैं कुछ, और आपके प्लेटलेट्स भी वहीं पर बनते हैं. ठीक है, सो दीज आर कलरलेस एंड हेल्प इन क्लॉटिंग द ब्लड. दे आर मोस्टली कलरलेस एंड दे हेल्प इन क्लॉटिंग द ब्लड. जो बहुत इम्पॉर्टेंट काम है प्लेटलेट्स का, वो है टू स्टॉप द ब्लीडिंग, टू स्टॉप द, ये इनका मेन काम. प्लेटलेट्स रोक ले उस ब्लड को, जैसे आपको कोई चोट लगी, ठीक है, आप वो लगाते हो, आप एंटीसेप्टिक लगाते हो, यू यूज थिंग्स सो दैट आपकी जो ब्लड है वो रुक जाए. बेसिकली वो आपकी बॉडी को हेल्प कर रहे होते हैं टू क्लॉट द ब्लड. आपके जो भी बाहर की चीज़ें, फर्स्ट एड जो भी आप अप्लाई करते हो, बैंडेजेस हो या आपकी एंटीसेप्टिक क्रीम हो, एनीथिंग दैट हेल्प्स द बॉडी टू एक्चुअली क्लॉट द ब्लड इज एक्चुअली द फंक्शन ऑफ योर प्लेटलेट्स. प्लेटलेट्स एक्चुअली वो रोक रहे हैं ब्लड को, बट कैसे, लेट्स सी. If a cut or a wound is made, the blood starts flowing from it. After some time, platelets plug the cut. Platelets कर क्या रहे हैं, उसको बंद कैसे कर रहे हैं, उसको रोक देते हैं वहाँ पर जमा होके आसपास. ठीक है, जैसे यहाँ पर आपकी WBCs आपको दिख रही हैं, आई एम सॉरी, यू हैव योर रेड ब्लड सेल्स आपको दिख रहे हैं यहाँ पर रेड कलर के. ठीक है, वो तो रेड ब्लड सेल्स ही हैं.
साथ साथ आपको दिख रहे प्लेटलेट्स व्हाइट कलर के, कलरलेस जो है वो व्हाइट कलर के दिखा रखे हैं आपको, ठीक है। अब वो ऑब्वियसली ब्लड के अंदर दोनों चीजें वो दोनों ही पहुंचेंगी, तो प्लेटलेट्स क्या कर रहे हैं आप देखोगे, वो बाइंड कर रहे हैं उसको, वहीं पर बाइंडिंग हो गई, यहाँ पर देख रहे हो वहीं पर ही वहां पर जमा हो गया, वो बाइंड कर दिया कि खून वहीं पर रुक जाए और खून बाहर ना निकल सके, मतलब आरबीसीज को जान ही नहीं दे रहे। अब ऑब्वियसली आरबीसीज अगर आपका कहीं पर ब्लड वेसल ऐसे पाथ टूट जाता है, हमें चोट लग जाती है, तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर ना गैप आ जाएंगे, अगर हमें ऐसे चोट लग जाए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, गैप आ जाएगा बीच में ऐसे करके, ठीक है। तो हम नहीं चाहते कि ऐसे करके आपका गैप आ जाए और फिर आपके आरबीसीज को पता ना चले कौन सा पाथ पकड़ना है, तो वो जो भी गैप मिल रहा है वो बाहर आना चालू हो जाएंगे, और अगर आपके आरबीसीज बाहर आना चालू हो गए, दैट मीन्स आपका ब्लड बाहर आ रहा है, आपको दिखेगा ब्लड बाहर आ रहा है, और एक सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम के बाद हम नहीं चाहते कि हमारा ब्लड लॉस हो बॉडी से, तो हम नहीं चाहते ये पार्ट टूटा रहे। तो क्या करता है प्लेटलेट्स, क्या करते हैं प्लेटलेट्स, जो आपको कलरलेस प्लेटलेट्स दिख रहे हैं, ये जो सेल्स हैं आपके, वो क्या करेंगे, उस आरबीसीज को वहीं रोक लेंगे, वहीं क्लॉटिंग कर देंगे, सो दैट आपके आरबीसीज आगे ना जा पाए, ठीक है। और आपको ये क्लॉटिंग दिखती भी, आपको रेड रेड कलर का ऊपर से दिखता है ना, जैसे रुका हुआ खून, तो बिल्कुल ऐसी दिखता है, वो रोक कौन रहा है, वो प्लेटलेट्स आपके रोक रहे होते हैं एक्चुअली, सो दैट आपका ब्लड ना कंटिन्यू कर सके नीचे से फ्लो करके, और ये धीरे धीरे आपका ये ठीक भी हो जाता है। इसे कहते हैं ना, अगर चीज़ों को अटैच करके तो खुद ब ठीक होने लग जाती है ऐसी। इफ द प्लेटलेट्स आर नॉट प्रेजेंट इन द ब्लड फ्लो फ्रॉम द कट ऑफ द वाउंड विल नॉट स्टॉप। अगर प्लेटलेट्स नहीं होते तो आप जस्ट इमेजिन, अगर आपके प्लेटलेट्स होते ही नहीं तो आपको क्या लगता है कि आपका खून रुक जाता है उसके बाद, नहीं, कट और वाउंड विल नॉट स्टॉप, causing the excess loss of blood which may be fatal to the person leading to death. तो basically होगा क्या, excess of blood अगर ऐसे चलता जाएगा, so person can also काफ़ी उनको problem होनी चालू हो जाएगी, and blood loss के बाद तो सारी activity, oxygen नहीं पहुँचेगा, energy नहीं पहुँचेगी, सब कुछ almost functions धीरे धीरे रुकने लग जाएंगे। so platelets is very important, जो आपके blood का fourth component है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सम ऑफ देम आर मेड इन द बोन मैरो, ठीक है, दैट इज अ स्पॉन्जी टिश्यू, उसके अंदर आपके प्लेटलेट्स, कुछ आरबीसीज एंड कुछ डब्ल्यूबीसीज बनते हैं, एंड दे आर कलरलेस इन नेचर, दे क्लॉट द ब्लड, दे फंक्शन इज जस्ट टू क्लॉट द ब्लड, दैट इज योर स्टॉपिंग ऑफ द ब्लीडिंग, अगर इंजरी की वजह से ब्लीडिंग हो रही है तो, एंड अगर वो नहीं होते सो देन हमें बहुत सारा ब्लड का लॉस हो जाता, ठीक है। सो वी आर डन विद द ब्लड के चार कॉम्पोनेंट्स जो थे, लेट्स नाउ डिस्कस द मेन फंक्शंस ऑफ द ब्लड। तो हमने अभी तक डिस्कस कर लिया कि आपके चार कॉम्पोनेंट्स इक्वली मतलब क्या क्या करते हैं, वो मतलब उनके पर्सनल फंक्शंस क्या है, उनके स्पेसिफिक फंक्शंस क्या है, आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा के, हमने उनके अपने अपने डिस्कशंस कर लिए है, बट लेट्स जस्ट डिस्कस अबाउट द ब्लड एज अ होल, ठीक है। सो वेरियस फंक्शंस ऑफ ब्लड आर देयर, एंड इट ट्रांसपोर्ट, हमने अभी तक क्या बातें करी है, डाइजेस्टिव फूड या अनडाइजेस्टिव वेस्ट प्रोडक्ट जो आपका प्लाज्मा से जाता है, ब्लड का जो कॉम्पोनेंट है वो करता है काम, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन से अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी, देन इट कैरीज वाटर टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी, पानी होता है ब्लड के अंदर वो भी कैरी करता है, इट कैरीज ऑक्सीजन जो आरबीसीज काम करते हैं, एंड CO2 एज वेल, हीमोग्लोबिन बेसिकली सर्कुलेशन में, कैसे CO2 को बाहर निकाला जाए, ऑक्सीजन को लिया जाए, देन यू हैव वेस्ट प्रोडक्ट लाइक यूरिया वगैरह जो बहुत हार्मफुल प्रोडक्ट होते हैं, जो बन जाते हैं हमारे, जो हम प्रोटीन जब यूज़ नहीं करते ना तो उससे हमारा यूरिया बन जाता है, और यूरिया हमें बहुत हार्मफुल है बॉडी के लिए, वो हमें बाहर फेंकना ही पड़ता है। अब जो यूरिया आपका पानी के साथ मिक्स होता है उसे हम कहते हैं यूरिन, ठीक है, जो हम डे टू डे लाइफ में करते ही हैं, हमारा वेस्ट प्रोडक्ट हम बाहर निकालते हैं, इट कैरीज वेस्ट प्रोडक्ट्स लाइक यूरिया फ्रॉम द लिवर टू द किडनी टू द एक्सक्रीशन सिस्टम, ये आपका प्रोसेस रहता है, यूरिया आपका लिवर से किडनी से लेके एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स में चले जाता है, फिर सीधे बॉडी से आउट। Now it protects the body from the disease as well. आप सबको पता है कि आपके जो platelets हैं वो भी आपके disease में आपको infection से बचाते हैं। So basically सारे options जो अभी हमने सारे functions पढ़े ना अलग अलग specific amount में, वो सारे ही आ जाते हैं आपके blood के अंदर, ठीक है, क्योंकि सारे components blood के थे तो सारे functions आपके blood के अंदर आ गए, ठीक है। So this is the whole thing and let's move on. ओके, सो दिस इज द होल थिंग, पूरा ब्लड पंप होगा आपके हार्ट से और सारा फंक्शन आपके पूरी बॉडी में ब्लड वेसल्स के थ्रू पहुंच जाएगा। फिर ब्लड वेसल्स से भी बड़ी चीजें होती है, लेट्स डिस्कस दैट, ठीक है। ब्लड वेसल्स के अंदर क्या क्या आते हैं, वो वेसल्स बेसिकली होते क्या हैं, ठीक है, वेसल्स की बात करती हूँ तो कौन कौन से वेसल्स आते हैं,
ठीक है. नंबर वन इज योर, इट इज रिटन, इट इज फर्स्ट रिटन इज आर्टरीज एंड देन यू हैव योर कैपिलरीज एंड वेन्स ऑफ कोर्स. ये तीनों मिला के ब्लड वेसल्स का मेजर टाइप्स जो है आपके, वो ये तीन टाइप के. ब्लड वेसल्स तो एक जर्नल नाम है ना, उनके अंदर तीन कैटेगरीज आती है, दैट इज आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज. ओके, सो ब्लड वेसल्स की अगर मैं बात करूँ ना बच्चा, दीज आर द ट्यूब्स और पाइप्स दैट कैरी ब्लड थ्रू आउट द बॉडी. ये हमारे क्या है, बेसिकली ट्रांसपोर्टेशन के पाइप्स एंड ट्यूब्स जो पूरी बॉडी में पहुँचाने का काम है इनका. दैट कैरी योर ब्लड, जिसके अंदर सब कुछ है, चाहे वेस्ट प्रोडक्ट हो, चाहे ऑक्सीजन हो, चाहे कुछ भी हो, सब कुछ ब्लड के अंदर है. ब्लड को पहुँचाने वाली ट्यूब्स भी तो होनी चाहिए, तो वो काम करती है ब्लड वेसल्स. थ्रू आउट द बॉडी इट रन्स बिटवीन द हार्ट एंड द रेस्ट ऑफ द बॉडी. And they are the three major categories. They are arteries, veins and capillaries. सबसे पहले let's discuss about the arteries. दोनों equally important है, veins और arteries, वो वही काम कर रहे हैं, oxygen को लाना, मतलब basically blood को इधर से उधर ले जाना. arteries और veins दोनों ही काम करते हैं. सबसे पहले हम बात करते हैं arteries की. These carry blood from the heart. ये carry कर रहे हैं blood को heart से to other parts of the body. इनका काम है heart से बॉडी के सारे पार्ट्स में पहुंचाना. ये काम किसका है, हमारी आर्टरी का. ठीक है, सो दीज कैरी द ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड दीज लाइक क्वाइट डीप अंडर आवर स्किन. काफी अंदर होते हैं स्किन के, ऐसा नहीं कि आपको बाहर दिख जाएंगे ऐसे बिल्कुल ही. ठीक है, काफी डीप है स्किन के अंदर एंड कैन नॉट बी सीन इजली, इतने आराम से नहीं दिखेंगे. आर्टरीज हैव थिक इलास्टिक वॉल्स एज अ ब्लड फ्लोज एट अ हाई प्रेशर. इनकी जो वॉल्स होती हैं वो काफ़ी थिक होती है, मतलब डायमीटर काफ़ी मोटा होता है, काफ़ी थिक, मोटी सी होती है आपकी आर्टरी, क्योंकि आपका जो ब्लड होता है ना बहुत हाई प्रेशर में थ्रो किया जाता है हार्ट से बाकी पार्ट्स में. तो जब आप खुद सोचो, अगर बहुत हाई प्रेशर में किसी ब्लड को ऐसे फेंका जाए तो इतने प्रेशर में कहीं वो फट के बाहर ना आ जाए, इसलिए आर्टरी आपकी काफ़ी मोटी होती है. इसलिए आपकी आर्टरीज क्या है, काफ़ी थिक हैं, क्योंकि अगर हाई प्रेशर पे ब्लड आ रहा है, वी डोंट वांट दैट कि ब्लड रेयर एंड टेयर करके आर्टरीज को सीधे बाहर आ जाए. ठीक है, दैट इज व्हाई आर्टरीज हैव थिक इलास्टिक वॉल्स एज अ ब्लड फ्लोज एट अ वेरी हाई प्रेशर. ड्यू टू पंपिंग एक्शन फ्रॉम द हार्ट थ्रू द आर्टरीज, ठीक है, ड्यू टू द पंपिंग एक्शन ऑफ द हार्ट थ्रू द आर्टरीज, नो वैवल्स आर प्रेजेंट इन द आर्टरीज. नाउ द बेसिकली द वैवल्स आर समथिंग लाइक दिस. पिंग पोंग खेला है आपने कभी? दे कंट्रोल द ऑपोजिट डायरेक्शन, मतलब उल्टे डायरेक्शन में ब्लड ना जाए उसको कंट्रोल करते हैं आपके वैवल्स. आपके वैवल्स कंट्रोल करते हैं कि दूसरे डायरेक्शन में कोई चीज़ फ्लो ना करे, एक ही डायरेक्शन में जाते रहे. ठीक है, तो वो कौन मेक श्योर करता है, आपके वैवल्स. नाउ दे आर प्रेजेंट इन द आर्टरीज, दे आर प्रेजेंट इन द आर्टरीज एंड द मेन आर्टरी दैट इज द ओरोटा इज कनेक्टेड टू द लेफ्ट वेंट्रिकल ऑफ द हार्ट. ठीक है ना, ओरोटा इज ओके, ओरटा आपकी, आई एम सो सॉरी मैं ओरोटा कह रही थी, दैट इज ओरटा. ओरटा इज कनेक्टेड टू द लेफ्ट वेंट्रिकल. ठीक है, ओके, द थिंग इज द मेन आर्टरी जो है आपकी, जो मेन आर्टरीज की हम बात कर रहे हैं, सबसे पहले सबसे बड़ी जो है आपकी वो है ओरटा. ओके, ओरटा क्या है, इट इज कनेक्टेड टू द लेफ्ट वेंट्रिकल. विल डिस्कस अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, डोंट वरी, पहले हम हार्ट के बारे में बात कर लेंगे तब ये आपको समझ आ जाएगा ये ओरटा कौन सी आर्टरी है. ठीक है, बस आपको इतना ध्यान रखना है कि ये कहाँ जा रही है, आपके हार्ट से लेके पूरी बॉडी में आपको डायरेक्शन पता होना चाहिए, बाकी सब ठीक है, बाकी हम डिस्कस करेंगे डिटेल में. तो जो ओरटा होती है आपकी, दैट इज द वन ऑफ द बिगेस्ट आर्टरी इन योर बॉडी, दैट इज कनेक्टेड इन योर हार्ट. हार्ट से वो ब्लड की पूरे पार्ट्स में पहुंचा देता है आपका ब्लड. ठीक है, पूरी बॉडी पार्ट्स में ना, यहाँ पे बहुत प्रेशर से आता है हार्ट से लेके, बहुत ज़्यादा प्रेशर में ब्लड आता है, पूरी बॉडी में फैल जाता है. बहुत थिक वॉल होती है आर्टरी की एंड द मेन आर्टरी इज ओरटा इज कनेक्टेड टू द लेफ्ट वेंट्रिकल ऑफ द हार्ट. इट कैरीज द ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी एक्सेप्ट द लंग्स. द थिंग इज लंग्स में तो भाई लंग्स तो चाहिए हमें, मतलब वहाँ से थोड़ी मैं ऑक्सीजन ब्लड वहाँ पहुँचाऊंगी. लंग्स तो बल्कि ऑक्सीजन मिक्स करके देता है, लंग्स क्या करता है कि ब्लड जो भी आता है उसके पास उसमें ऑक्सीजन वो मिक्स करके देता है सो दैट वो हार्ट पे पहुँचे और फिर आपकी बॉडी में पहुंचे.
तो बेसिकली अभी हम डिस्कस करेंगे, बट लंग्स में क्यों नहीं जा रहा, हार्ट से लंग्स में क्यों नहीं जा रहा? लंग्स तो आपको ब्लड में ऑक्सीजन मिला के दे रहा है ना, वो तो सर्व कर रहा है, ब्लड में ऑक्सीजन को मिला के सर्व कर रहा है हार्ट को, और हार्ट आपका पंप कर रहा है पूरी बॉडी में। वो इसको क्या कहते हैं, जब आपका ऑक्सीजन मिला हुआ होता है ब्लड के साथ, उसे हम कहते हैं ऑक्सीजनेटेड। द लॉट ऑफ टर्म्स आई नो, लेट मी जस्ट डिस्कस दिस। नाउ सी, आपका क्या है कि आई सेड हार्ट, लाइक दिस इज द वन ऑफ द बिगेस्ट आर्टरी, जो क्या कर रही है, हार्ट से जो भी हाई प्रेशर पे ब्लड जा रहा है उसको कहाँ पहुंचा रही है, पूरी बॉडी में एक्सेप्ट लंग्स। व्हाई इज दैट कि लंग्स में नहीं पहुंच रहा? लंग्स काम कर रहे थे कि जो भी ब्लड उनके पास होता है उसमें जो भी हम ब्रीदिंग कर रहे हैं और आपका ऑक्सीजन पहुंचता है पूरे लंग्स में, वो क्या करता है, लंग्स क्या करता है, मिक्स कर देता है ब्लड और ऑक्सीजन को, सो दैट इट कैन बी कैरिड टू योर होल बॉडी। तो ब्लड और ऑक्सीजन मिक्स हो जाते हैं, फिर ये जाते हैं हार्ट में और फिर ये पंप हो जाते हैं पूरी बॉडी में। तो वो क्यों वापस जाएगा लंग्स में, जब वो बॉडी में जा रहा है तो क्यों वो लंग्स में जाएगा वापस, वहां से तो वो आया है ना, ठीक है? अब आपको समझ आ गया कि लंग्स में इसलिए नहीं जा रहा बिकॉज लंग्स से ही आपका मिक्स होके आया ऑक्सीजन ब्लड के अंदर, ठीक है? तो हार्ट में, फिर हार्ट पंप करेगा पूरी बॉडी में, और वो कौन मेक श्योर करता है, आपकी सबसे बड़ी आर्टरी, दैट इज ओटा, ठीक है? सो लेट्स सी कि बेसिकली उसका फंक्शन क्या है, टू कैरी द ऑक्सीजनेटेड। अब मैंने आपको बोला था कि जब भी आपका ऑक्सीजन मिक्स होगा ब्लड में, जब भी आपका ऑक्सीजन मिक्स होगा ब्लड में, उसे हम कहते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और जब भी आपका ऑक्सीजन यूज अप हो जाए बाय अदर ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी, तो ऑब्वियसली ब्लड में उसकी अमाउंट कम हो जाएगी, ठीक है? तो हम उसे कहेंगे डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, उसे हम क्या कहेंगे, डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है? देन दिस इज द डिफरेंस बिटवीन ऑक्सीजनेटेड एंड डी ऑक्सीजनेटेड। और जो आपका हार्ट से पूरी बॉडी में जा रहा है, वो तो कॉमन सेंस है ना आपका, तो कॉमन सेंस है कि अगर पूरी बॉडी में जा रहा है दैट मीन्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड ही होगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को फिला के क्या करूंगी मैं, ठीक है? तो यस, ये ही वाला आपका ब्लड है जो पूरी बॉडी में फैलता है, ओके? तो आर्टरीज आर डन, अनदर आर्टरी कॉल्ड पल्मरी आर्टरी, लाइक आई सेड ओर्टा इज अ बिगेस्ट वन, बट इसके अलावा भी बहुत सारी आर्टरीज हैं, वन ऑफ देम इज पल्मरी, वेयर इज माई पेन, यस, हाँ, पल्मरी आर्टरी इज कनेक्टेड टू द राइट वेंट्रिकल ऑफ द हार्ट, वो लेफ्ट में था, ये राइट में है, एंड इट कैरीज द डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब आपका ये जो पल्मोनरी आर्टरी है उसका काम क्या है, टू कैरी द डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जिसमें ऑक्सीजन की कमी हो चुकी है, वो कौन कैरी करेगा, ओर्टा नहीं कैरी करेगा, दैट विल बी पल्मोनरी आर्टरी। नाउ ठीक है, राइट वेंट्रिकल से हार्ट से आपका पूरी बॉडी में फैल जाता है ये सब, तो डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड आपका पूरी बॉडी में नहीं फैलेगा, वो हमें नहीं चाहिए, जो जिसमें ऑक्सीजन नहीं है वो मैं नहीं चाहती कि वो ब्लड पूरी बॉडी में फैल जाए, तो फिर मैं क्या दे रही हूँ ऑर्गन्स को, राइट? तो ये करे, ये लंग्स में चल जाएगा वापस से, जहाँ पर आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं गया था, बिकॉज वहीं से आपका ऑक्सीजन मिक्स होकर आ रहा था, डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड में ऑक्सीजन की कमी है अभी इस टाइम पर। तो पल्मरी आर्टरी क्या करेगा, ये डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरी बॉडी में से कलेक्ट करके, अब जैसे कि मैंने यूज़ कर लिया, मान लो मेरे सामने से कोई ऑक्सीजन लेके आया, मैंने उसको यूज़ कर लिया, और जो बाकी बचा हुआ ब्लड है जिसमें ऑक्सीजन खत्म हो चुका है वो मैंने वापस रिटर्न कर दिया, तो जो बाकी ऑर्गन्स हैं आपकी बॉडी में जब वो यूज़ अप कर लेंगे ऑक्सीजन को, वो ब्लड वापस रिटर्न कर देंगे, सो दैट इट कुड बी रिटर्न बैक टू द लंग्स, एंड वो लेके कौन आएगा, पल्मरी आर्टरी। ये डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरी बॉडी से लेके हार्ट में पहुंचा के, ऑफ कोर्स हार्ट में पहुंचेगा सबसे पहले, सीधे बॉडी सीधे लंग्स में नहीं पहुंचेगा, ठीक है? जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो आएगा आपके पहले हार्ट में, हार्ट एक पंप करता है ना, हार्ट प्रेशर देता है। अब ऐसे तो नहीं है ना आपकी बॉडी खुद ब खुद चलती जाएगी, इधर से उधर पाथ बनाती जाएगी, उसे कोई मेजर चीज चाहिए जो उसको पंप कर सके राइट डायरेक्शन में, तो हार्ट बिल्कुल राइट डायरेक्शन में पंप करता है आर्टरीज और वेन्स के थ्रू, ठीक है? हार्ट एक राइट डायरेक्शन में उसे पंप करके देता है। अब चाहे आपका हार्ट
पंप करके पूरी बॉडी में ऑक्सीजन पहुंचा रहा हो, ठीक है, या वो पंप करके लंग्स में वापस पहुंचा रहा हो, सो दैट इट कैन बी ऑक्सीजनेटेड अगेन, ठीक है। तो ये सारा काम किसका है? हार्ट का ही है। ये सारा काम किसका है? हार्ट का ही है। चाहे लंग्स में पहुंचाना हो, चाहे पूरी बॉडी में पहुंचाना हो, वो पंप करने वाला कौन है? हार्ट, ताकि प्रेशर से ब्लड इधर से उधर एक ही डायरेक्शन में जा सके, ठीक है। ओके, सो बेसिकली आपका डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन लेके आ रहा है? पल्मरी आर्ची, एंड देन क्या होगा? इट विल कैरी द डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जिसमें ऑक्सीजन की कमी है, टू द हार्ट, एंड हार्ट पंप करेगा बैक टू द लंग्स। ऐसा क्यों? लंग्स क्यों वापस? बिकॉज लंग्स ही वापस उसे ऑक्सीजन मिला के देंगे, सो दैट इट कैन पम्प्ड अगेन टू द होल बॉडी। तो लंग्स क्या करेंगे? वो ब्लड ले लेंगे और उसमें ऑक्सीजन और डाल देंगे, सो दैट इट कैन बी अगेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड इट कैन बी कैरिड अगेन टू द होल बॉडी। द आर्टरीज नॉर्मली कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द हार्ट, बट वन आर्टरी दैट इज पल्मोनरी आर्टरी, दैट इज द ओनली वन दैट कैरीज डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू द लंग्स। नाउ चलिए अब हम बात करते हैं, आर्टरीज की बात हो गई, अब सेकेंड पार्ट है आपका वेन्स, थर्ड वॉज कैपिलरी। तो सेकेंड पार्ट आपका जो है आपके ब्लड वेसल्स का, वो है आपका वेन्स। यू कैन सी वेन्स के अंदर वैल्स होते हैं, यही बोल रही थी मैं। वैल्स क्या होते हैं? क्लोज हो जाते हैं जैसे उनका डायरेक्शन नहीं करना होता। जैसे कि आप मान लो कि आप किसी डोर के थ्रू जा रहे हो, आप किसी डोर के थ्रू जा रहे हो, एक डोर, दो डोर्स, तीन डोर्स, चार डोर्स, और वो आपके पीछे वो डोर्स क्लोज होते हुए जा रहे हैं। आई नो इट इज स्कैरी बट जस्ट लिसन, ठीक है। सो वो डोर्स क्या हो रहे हैं? वो क्लोज हो रहे हैं पीछे से, आप जाते जा रहे हो, आप जाते जा रहे हो, जाते जा रहे हो, एंड डोर्स पीछे से क्लोज होते जा रहे हैं, ठीक है। सो दैट मीन्स आप पीछे नहीं जा सकते, आप डोर्स तो क्लोज हो गए, ठीक है, तो आप आगे ही बढ़ना पड़ेगा आपको। दैट मीन्स कि जो वैल्स हैं आपके, जो वैवल्स हैं आपके, दैट दे आर गेटिंग क्लोज, दे आर गेटिंग क्लोज आफ्टर द ब्लड फ्लोज फ्रॉम देम, वो क्लोज हो जाता है ताकि ब्लड रिटर्न नीचे ना आ पाए, ठीक है। सो दीज आर द ब्लड वेसल्स दैट कैरी द ब्लड फ्रॉम ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी बैक टू द हार्ट, एंड दीज ट्यूब लाइक ब्लड वेसल्स। सो बेसिकली आपको जो पल्मरी था वो क्या कर रहा था? हार्ट से लंग्स तक पहुंचा रहा था। अब आपको ये चेक करना है कि पूरे बॉडी से कलेक्ट करके कौन लेके आ रहा है, पूरी बॉडी से कलेक्ट करके हार्ट तक वापस कौन लेके आ रहा है, वो मेन चीज है। ओर्टा तो आर्टरी थी जो हार्ट से पूरी बॉडी पार्ट्स में लेके आ रही थी, ठीक है। पल्मरी आर्टरी थी जो हार्ट से लंग्स में पहुंचा रहा था डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, बट पहली बात सारे बॉडी पार्ट से ब्लड हार्ट तक कौन पहुंचाएगा, वो बहुत बड़ा काम है। दीज आर द ब्लड वेसल्स दैट कैरी द ब्लड फ्रॉम ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी बैक टू द हार्ट, दीज ट्यूब लाइक ब्लड वेसल्स आर सिचुएटेड जस्ट अंडर द स्किन। ये आपको वेन्स इनफैक्ट स्किन के जस्ट अंडर, ज़्यादा डीप नहीं होती वेन्स आपकी। वेन्स अगर आप देखना चाहो आपको दिख भी रहे होंगे वेन्स अभी, ठीक है, ग्रीनिश कलर की टाइप की, तो वेन्स आपको फिर भी दिख जाती हैं, बट आपको जो आपकी आर्टरीज है वो काफ़ी स्किन के अंदर होती है, तो इतनी आसानी से नहीं दिख सकती। बट वेन्स अगर आप देखना चाहो ना तो आपको दिख जाएंगे, ठीक है। दे आर मोस्टली ग्रीनिश ब्लू ट्यूब्स आपको दिखती होंगी, स्किन के बहुत पास हैं, दैट मीन्स, एंड ये पूरी बॉडी से कलेक्ट करते हैं ब्लड और हार्ट तक वापस पहुंचाते हैं। सो यस, वेन्स हैव थिन वॉल्स एंड ब्लड फ्लोज एट अ वेरी लो प्रेशर। इसमें काफ़ी लो प्रेशर में ब्लड चल रहा होता है क्योंकि हार्ट ने पंप नहीं करा होता, ठीक है। ये बॉडी से आ रहा है ब्लड आपका और हार्ट तक पहुंच रहा है, ठीक है, तो ऑब्वियसली ये लो प्रेशर पे है अभी, ये अभी क्या है आपका, लो प्रेशर पे है। हार्ट जब पंप कर रहा है तो हाई प्रेशर पे जाता है, जैसे किसी ने पंप कर दिया, दैट इज हाई प्रेशर। बट अगर वहाँ से बॉडी से होते हुए हार्ट तक पहुँच रहा है, दैट मीन्स इट इज़ कैरिंग अ वेरी लो प्रेशर, उसमें अंदर बहुत लो प्रेशर है, तो ये वापस जा सकते हैं। अगर ऐसे ऐसे करके हार्ट तक पहुँच रहे होंगे तो ये रिटर्न में आ सकते हैं, आपका ब्लड जो डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वापस भी आ सकता है ऐसे करके। तो इसीलिए आपके वेन्स के अंदर वैवल्स होते हैं, सो दैट दे कैन क्लोज ताकि कोई बैकवर्ड फ्लो ना हो सके, किसका, ब्लड का, ताकि कोई बैकवर्ड फ्लो ना हो ब्लड का, इसलिए वैवल्स होते हैं वेन्स के, बिकॉज प्रेशर बहुत लो है और ब्लड आपका वापस नीचे को आ सकता है, इसलिए वैवल्स होते हैं आपके वेन्स के अंदर, सो दैट एक ही डायरेक्शन में ब्लड जाए जो कि है हार्ट में वापस, ठीक है। सो
वेन्स हैव वेरी थिन वॉल्स एंड द प्रेशर इज वेरी लो, ठीक है, एंड दे हैव वैवल्स विच अलाउ द ब्लड टू फ्लो इन ओनली वन डायरेक्शन एंड प्रिवेंट द ब्लैक प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ द ब्लड इन द वेन्स. यूजली वेन्स कैरी डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड बट द प्राइमरी वेन दैट इज कनेक्टेड टू द लेफ्ट आर्ट्रियम ऑफ द हार्ट कैरीज द ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स टू द हार्ट. नाउ इसकी भी एक पल्मरी वेन है, जैसे एक पल्मरी आर्टरी थी. तो पल्मरी आर्टरी तो ये कर रहा था कि वो डीऑक्सी ब्लड को आपके हार्ट से लंग्स तक पहुंचा रहा था, राइट. अब यहां पर क्या है, एक और आपकी पल्मरी वेन है जो कि क्या कर रही है, लेफ्ट आर्ट्रियम में है, दैट कैरीज द ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स टू द हार्ट. अब कोई ना कोई तो होना चाहिए ना लंग्स से हार्ट तक पहुंचा सके, ये भी तो होना चाहिए. लंग्स ने मिक्स तो करके दे दिया पर हार्ट तक कौन पहुंचा रहा है, हार्ट से लंग तक तो पहुंचाने वाली आर्टरी है बट लंग्स से हार्ट में पहुंचाने वाली नहीं. दैट्स देखो एक दो पार्ट्स हैं जो रिपीट हो रहे हैं बार बार, दैट इज लंग्स से हार्ट में, हार्ट से वापस लंग्स में, क्योंकि भाई मिक्स तो करना ही है. यहां लिख देते हैं, तो बेसिकली हो क्या रहा है, दिस इज योर लंग्स एंड यहां से वो जा रहे हैं हार्ट में, और एक है कि आपका हार्ट से लंग्स में जा रहा है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. देन दूसरा काम है हार्ट से पूरी बॉडी में फैलना, पूरी बॉडी पार्ट्स में फैलना. एंड देन यू हैव पूरी, ओहो आई एम सो सॉरी अबाउट दिस, I'm gonna write it again. Okay, give me a second. ओके, सो बेसिकली हम चार पार्ट्स की बात कर रहे हैं. सो फर्स्ट इज योर लंग्स, लंग्स से हार्ट में जाना, कौन सा ऑक्सीजनेटेड ब्लड, दैट इज योर ऑक्सीजन मिला हुआ ब्लड, तभी तो हार्ट पंप कर पाएगा पूरी बॉडी में. देन हार्ट से अगर लंग्स में वापस जा रहा है ब्लड, दैट विल बी डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड. ये ऑक्सीजन की जब कमी हो जाती है तो वो लंग्स पे वापस भेज दिया जाता है, सो दैट लंग्स और ऑक्सीजन मिक्स कर सके, ठीक है. देन हार्ट से बॉडी पार्ट्स में ऑब्वियसली ऑक्सीजनेटेड ब्लड ही जाएगा, और जब बॉडी पार्ट्स यूज कर लेती है ऑक्सीजन को तो वो डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस हार्ट की तरफ फेंकती है, और फिर ऑफकोर्स वो लंग्स की तरफ जाएगा, ठीक है. यस, फिर ऑब्वियसली ये फिर लंग्स में जाएगा, ठीक है, और यहाँ हार्ट से बॉडी पार्ट्स फिर ऐसे रिटर्न होते हुए चलेगा, एंड देन अगर हार्ट में पहुंच गया एक बार तो फिर ये बॉडी पार्ट्स में पहुंच जाएगा, ठीक है. जस्ट कॉर्नर इरेज दिस वन, बट या आपको पास पता चल गया, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि लंग्स से हार्ट, हार्ट से लंग्स की कौन सा पाथ है, कौन यूज कर रहा है, ठीक है. लेट मी जस्ट राइट दिस, अभी उन्होंने किया नहीं है. द वन द बिगेस्ट वन इज ओर्टा, दैट इज योर आर्टरी. बॉडी पार्ट से हार्ट तक पहुंचाने का काम वेन्स का है, ठीक है. एंड देन यू हैव हार्ट से लंग्स के तरफ कौन पहुंचा रहा है, पल्मोनरी आर्टरी. देन यू हैव
योर वे. ठीक है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना. ये आप यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट इफ यू वांट. ठीक है, लेट मी शिफ्ट दिस. यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट. ओके, सो यस, दिस इज द होल सिनेरियो व्हाट इज हैपनिंग इन योर हार्ट. ठीक है, पंप कर रहा है आपका हार्ट लगातार, ऑक्सीजनेटेड, डीऑक्सीजनेटेड, ऑक्सीजनेटेड पहुंचाना, डीऑक्सीजनेटेड को वापस से ऑक्सीजनेटेड बनाना, फिर उसको बॉडी में पहुंचाना. तो द होल पंप कौन कर रहा है? आपका हार्ट. बीच में है कौन? लंग्स और बॉडी पार्ट्स के बीच में है कौन? हार्ट. ठीक है, सो यस, वेन्स की हमने बात कर ली है. अब हम बात करते व्हाट इज अ बेसिक डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम. इट इज अ थिक वॉल ट्यूब. ठीक है, इट इज अ थिन वॉल ट्यूब लाइंग जस्ट बिलो द स्किन. ये आपको फिर भी स्किन से दिख जाएंगे क्योंकि ये स्किन के जस्ट बिलो है. ये काफी थिक है. इट कैन नॉट बी सीन इजिली. इट अपेयर्स एज ग्रीनिश ब्लू लाइन अंडर द स्किन. ये आपको ग्रीनिश ब्लू दिखेंगे. ठीक है, इट डज नॉट पोजेस वैवल्स. इसमें वैवल्स की कोई जरूरत नहीं होती सिंस आपका ब्लड बहुत हाई प्रेशर में होता है, वो बॉडी पार्ट्स में पहुंच जाता है. इट हैज वैवल्स विच प्रिवेंट्स द बैक फ्लो ना हो सके, क्योंकि आपका काफी लो प्रेशर में होता है आपका ब्लड, तो पीछे आ सकता है. इट कैरीज द ऑक्सीजनेटेड ब्लड, इट कैरीज द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट द पल्मोनरी वेन्स, मैंने आपको बता दिया. ठीक है, एंड ब्लड फ्लोज एट अ हाई प्रेशर, ब्लड फ्लोज एट द लो प्रेशर. सो ये बहुत अच्छे पॉइंट्स हैं. देयर एट लीस्ट 5 पॉइंट्स फॉर यू कि आर्टरी और वेन्स के बीच में बेसिक डिफरेंस क्या होता है. पल्स रेट की बात करते हैं हम. पल्स रेट देखते हैं, पल्स रेट आपका है क्या. ओके, सो पल्स रेट में क्या हो रहा था कि टू नो योर पल्स रेट, बेसिकली पल्स रेट पहली बात तो होता क्या है, इट इज अ नंबर ऑफ काउंट्स बीट्स, यू कैन से पल्स इन वन मिनट. एक मिनट में कितना आपका बीट कर रहा है आपका हार्ट, उसे हम कहते हैं पल्स रेट. टू नो योर पल्स रेट प्लेस द मिडल एंड इंडेक्स फिंगर ऑफ योर राइट हैंड. इसे हम ऐसे रिस्ट से हम देखते हैं ना पल्स रेट कितना है, आपको फील भी होगा, आपको बीटिंग इनफैक्ट कई जगह फील होती है, बट आप रिस्ट में अगर चेक करो लेफ्ट रिस्ट में तो आपको फील होगा कि आपका एक्चुअली पल्स रेट कैसा चल रहा है. यू फील द थ्रॉबिंग मूवमेंट एट दिस प्लेस. दिस थ्रॉबिंग इज कॉल्ड द पल्स दैट इज प्रोड्यूस ड्यू टू द ब्लड फ्लोइंग इन योर आर्टरीज. बेसिकली पल्स क्यों हो रहा है, क्योंकि ब्लड बहुत जोर से फ्लो कर रहा है आपकी आर्टरीज में अभी. ठीक है, तो यू विल फील इट, यू कैन फील दैट. ठीक है, नाउ काउंट ऑफ द नंबर ऑफ बीट्स और यू कैन से दिस पल्स इन वन मिनट इज योर पल्स रेट. जैसे हम कहते हैं एक मिनट टाइम के हिसाब से कितनी बीट्स है, लेट्स से 70 है. ठीक है, एक मिनट में 70 है, दैट इज योर पल्स रेट. ठीक है, रेट का मतलब ये होता है कि टाइम को इंक्लूड करा गया है और टाइम के हिसाब से कोई चीज़ मेजर की गई है. सो एट द रेस्टिंग फेज, रेस्टिंग फेज मतलब मैं आराम कर रही हूँ, तो एक नॉर्मल इंसान क्या करेगा, पल्स रेट को 70-80 बीट्स पर मिनट होती है. मतलब अगर मैं नॉर्मली हूँ 70-80 होगा एक एवरेज इंसान का, 72-80 होगा. अगर आप भागोगे 5 मिनट के लिए तो आपका पल्स रेट वैसी हाई हो जाएगा. ठीक है, और ब्लड फ्लो करेगा, और ब्लड फ्लो करेगा, और ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी आपकी बॉडी के अंदर, और रेस्पिरेशन करना पड़ेगा सो दैट यू गेट मोर एनर्जी फॉर योर बॉडी. दैट मीन्स और ब्लड फ्लो करेगा और पंप करेगा आपका हार्ट, तो आपका पल्स रेट खुद ही इंक्रीज हो जाएगा एक्सरसाइज के टाइम पर. ठीक है, सो आफ्टर रनिंग यू कैन सी योर पल्स रेट विल इंक्रीज. कैपिलरीज बात करते हैं, थर्ड कॉम्पोनेंट ऑफ योर ब्लड वेसल्स, दे ऑल्सो कनेक्ट. बट क्या, दे कनेक्ट द आर्टरीज एंड द वेन्स. दे कनेक्ट द आर्टरीज एंड द वेन्स. दीज आर एक्सट्रीमली थिन ब्लड वेसल्स दैट कनेक्ट द आर्टरीज टू द वेन्स. दीज अलाउ द सब्सटेंस टू पास फ्रॉम ब्लड इन टू द बॉडी सेल्स. बेसिकली इनका काम काफी छोटा लगता है आपको, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ये करते हैं जो भी सब्सटेंस होते हैं ना ब्लड के अंदर, जो भी हम कैरी करवा रहे हो, बेसिकली सेल्स तक कहाँ तक कैसे पहुँचते हैं. सेल्स जो आपके बॉडी के पार्ट्स के सेल्स होते हैं अलग अलग, ठीक है, आपको पता है अलग अलग बॉडी पार्ट्स में तो पहुँचा दिया, पर जो सब्सटेंस कैरी करवाया हमने ब्लड के वजह से, जो ब्लड कैरी कर रहा है सारा सब्सटेंस, जो हम ब्लड से कैरी करवा रहे हैं अलग अलग टाइप के सब्सटेंसेस, वो सेल में कैसे ट्रांसफ़र हो रहे हैं. वो सेल में ट्रांसफ़र हो रहे हैं आपके कुछ ऐसे कि कैपिलरीज के थ्रू वो इधर से उधर जा पाते हैं.
जो हो आपका खाना हो, कार्बन डाइऑक्साइड हो, ऑक्सीजन हो, वो सब आपके कैपिलरीज के थ्रू आपके सेल से आपके अलग अलग बॉडी पार्ट्स में बॉडी सेल्स तक पहुंचते हैं. आपके अलग अलग बॉडी सेल्स से मतलब जो भी ब्लड है, ब्लड से बॉडी सेल्स तक पहुंचते हैं बेसिकली. ठीक है, सो लेट मी जस्ट राइट दिस. तो बेसिकली आपका कैपिलरीज का क्या काम है? एक कैपिलरी का काम होता है जो भी सब्सटेंस ब्लड कैरी कर रहा है वो ब्लड से बाकी जो बॉडी सेल्स है आपके वहां तक पहुंचाना. ठीक है, एंड बॉडी सेल्स से जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड होता है जब यूज कर लेते हैं वापस से ब्लड में देना. जो भी वेस्ट प्रोडक्ट होगा, जो भी प्रोटीन हमने यूज नहीं करा, जैसे कि अनयूज प्रोटीन है आपका कोई, ठीक है, उससे आपका बनता है यूरिया, जो पानी में मिलके यूरिन बन जाता है, हम वो वेस्ट प्रोडक्ट भी तो वापस देना है ब्लड को, सो दैट एक्सक्रीटरी जो आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम है पूरा जो एक्सक्रीट करता है बेसिकली, वो एक्सक्रीट कैसे करेगा जब तक वेस्ट प्रोडक्ट कोई पहुँचाएगा नहीं उस तक, तो ब्लड ही पहुँचाएगा. बट कहाँ से ही लेगा वो? ब्लड वेसल्स ब्लड सेल से ही लेगा आपका, राइट? तो ब्लड सेल्स जब यूज़ कर लेते हैं ना चीज़ों को, वापस दे देते हैं कि ठीक है ये वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, ये चीज़ें हमने यूज़ नहीं करी, ले लो. ठीक है, तो ब्लड क्या करेगा? उसको एक्सक्रीट करने की पूरी तैयारी करेगा, बट लेगा कैसे? वो कैपिलरीज के थ्रू लेगा. जो पाथ है, जो इधर से उधर सब्सटेंसेस होते हैं ब्लड से बॉडी सेल से, बॉडी सेल से ब्लड में, वो कौन कर रहा है? आपकी कैपिलरीज. ठीक है, तो ये बीच के छोटे छोटे वेसल्स होते हैं, इन्हें हम कहते हैं कैपिलरीज. क्या ट्रांसफर कर रहे हैं वो ध्यान रखना है आपको. जो भी सब्सटेंस ब्लड कैरी करता है उनको ब्लड सेल्स को देना और ब्लड सेल से वापस से लेना, ये कौन सा पाथ फॉलो कर रहे हैं? वो कैपिलरीज के थ्रू होता है. ठीक है, ओके. नाउ वी ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट डीऑक्सीजनेटेड एंड ऑक्सीजन ब्लड, बट आपको मैंने दिखाया नहीं कभी. सो द ब्लड दैट कैरीज द ऑक्सीजन इन आवर बॉडी दैट इज ऑक्सीजनेटेड ब्लड. जब भी ऑक्सीजन मिला हुआ होगा ब्लड में उसे हम कहेंगे ऑक्सीजनेटेड ब्लड. इट इज रिच इन ऑक्सीजन ऑफकोर्स. नाउ द ऑक्सीजनेटेड ब्लड कम्स फ्रॉम द लंग्स, देन इट गोज फ्रॉम हार्ट टू आवर बॉडी पार्ट्स. ठीक है, सो इट गेट्स मिक्सड इन टू द ब्लड एंड इज कैरीड टू टूवर्ड्स द हार्ट. द ब्लड दैट इज रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑल द ऑक्सीजन हैज बीन यूज्ड अप बाय द टिश्यूज एंड ऑर्गन्स इज कॉल्ड डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड. अब किसी ब्लड में ऑक्सीजन की कमी हो जाए, उसके अंदर क्या हो, कार्बन डाइऑक्साइड मोर देन द ऑक्सीजन, दैट मीन्स इट विल बी डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड. ऑफकोर्स इसमें ऑक्सीजन की कमी होगी. ठीक है, सो इट इज फॉर्म्ड इन ऑल द ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी एक्सेप्ट द लंग्स. ठीक है, तो डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड आपको हर बॉडी पार्ट से मिलेगा, जो भी यूज कर चुके हैं आपके ब्लड को ऑक्सीजन के लिए, तो वहाँ से आपको मिलेगा डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड और वो वापस हार्ट में पहुँचाएंगे, हार्ट से वापस लंग्स में. तो यस, जो आपको ऑक्सीजन वाला होगा, जिसमें ऑक्सीजन भरपूर है, वो आपको ब्राइट रेड कलर का दिखेगा, और जिसमें कम है वो आपको थोड़ा डीप रेड पर्पल, नॉट एग्जैक्टली कोई पर्पल कलर का नहीं हो जाएगा आपका, पर हाँ आपको थोड़ा डार्क दिखेगा जो डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, जिसको हम इम्प्योर ब्लड कहते हैं. जो आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा वो बहुत ब्राइट रेड कलर का दिखेगा. ठीक है, चलिए, तो ये फर्क है आपके ऑक्सीजनेटेड और डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड में. लेट्स मूव ऑन टू द ब्लड ग्रुप्स. ठीक है, द ब्लड ग्रुप ऑफ एन इंडिविजुअल ह्यूमन बींग ऑलवेज रिमेन्स अनचेंज थ्रू आउट देयर लाइफ. ऐसा नहीं, हम सब ने अपने ब्लड ग्रुप्स देखे होंगे और वो कभी चेंज नहीं होते ह्यूमन बींग के पूरी लाइफ में. ऐसा नहीं कि आप कलर जैसे चेंज करो कैमेलियन के तरह, ऐसे आप ब्लड ग्रुप्स भी चेंज करो, ऐसा नहीं होता. सो कार्ल लैंडस्टीनर डिस्क्राइब दैट द ह्यूमन ब्लड कैन बी डिवाइड इनटू फोर कैटेगरीज ऑफ ब्लड ग्रुप्स, दैट इज ए बी, ए बी, ए बी एंड ए बी एंड ओ. दीज आर द नेम ऑन द बेसिस ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट इन द ब्लड. आरबीसीज के अंदर क्या क्या है उस हिसाब से आपका ए बी और ए बी ओ आपके ब्लड ग्रुप्स होते हैं. एवरी मैन हैज वन ऑफ दीज फोर ग्रुप्स ऑफ ब्लड विच इज इनहेरिटेड फ्रॉम देयर पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग एंड इज नेवर चेंज. हमें अपने पेरेंट्स के या यू कैन से हमारा जो कॉम्बिनेशन होता है ब्लड ग्रुप का, वो हमें हमारे पेरेंट्स से ही मिलता है, हमें हमारे पेरेंट्स से ही मिलता है. जैसा उनका ब्लड ग्रुप होता है मोस्टली मैच करता है, या मे बी मिक्स हो सकता है, ए बी भी बन सकता है उससे. ठीक है, सो इफ अ पर्सन गेट्स इंजर्ड, जब भी उनको इंजरी हो जाती हैवी ब्लड लॉस हो जाता है. यू मस्ट हैव सीन कि जब भी हमें ब्लड लॉस होता है, हमें जब भी ब्लड की रिक्वायरमेंट होती है, हम हमेशा किसके पास जाते हैं? सेम ब्लड ग्रुप हम मांगते हैं, हमेशा क्या बोलते हैं, सेम ब्लड ग्रुप
वाला हमें चाहिए होता है सो दैट दे कैन डोनेट द ब्लड एंड वी कैन यूज इट. क्योंकि हम ऐसा नहीं कर सकते कि मेरा ब्लड ग्रुप है ए और मैं बी डाल रही हूँ अपनी बॉडी के अंदर, इट कैन नॉट हैपन. ठीक है, सो आपने हमेशा देखा होगा कि जब भी इंजरी होती है, जब भी कोई भी वजह से ब्लड लॉस होता है आपकी बॉडी में एंड द डॉक्टर सेज कि यू रिक्वायर ब्लड, दैट मीन्स हमें बहुत जल्दी डोनेशन चाहिए होता है ब्लड का, कोई डोनेट कर दे वो भी सेम ब्लड ग्रुप वाला, ये नहीं कि कोई और ब्लड ग्रुप वाला आ रहा है. ठीक है, सो द पर्सन हु गिव्स द ब्लड इज द डोनर वाइल द पर्सन हु रिसीव्स द ब्लड उसका रिसिपिएंट कहते हैं. तो नॉर्मल वर्ड्स है आपका कि रिसिपिएंट और आपके डोनर्स कौन होते हैं. बेसिकली जो आपका डोनेट करेगा ब्लड, जैसे आई एम डोनेटिंग माई ब्लड फॉर समवन, तो मैं डोनर हो गई. ठीक है, बट लेट्स जस्ट चेक कि आपके कौन कौन से अलग अलग वो हैं ब्लड ग्रुप्स. तो अब बारी आती है कौन किसको दे सकता है. यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट दिस कि जो ओ प्लस होता है वो मोस्टली दे देता है सबको. ठीक है, हाँ मोस्टली आपका क्या होता है कि वो डोनेट कर देता है सबको. ठीक है, एंड आपके जो डोनर्स हैं यहाँ पर लिखे हुए हैं आपके रिसिपिएंट जो ले सकता है. ठीक है, अब बात क्या है यहाँ पर कि जब मैं ओ नेगेटिव की बात करती हूँ तो ओ नेगेटिव सबको दे सकता है. ठीक है, देखो ये डोनर है यहाँ पर ना, ये डोनर है यहाँ पर, इट कैन गिव इट टू ओ माइनस ओ प्लस, ए माइनस ए प्लस, बी माइनस बी प्लस, ए बी माइनस ए बी प्लस, सबको दे सकता है ओ माइनस. ओ प्लस दे सकता है ओ प्लस को, ए प्लस को, मतलब ओ प्लस का ये प्रॉब्लम है कि ओ प्लस सिर्फ प्लस वाली कैटेगरीज को दे पा रहा है, बट दे वो फिर भी सबको ही रहा है. ठीक है, यहाँ पर दो कैटेगरीज आपको दिख रही होंगी, एक प्लस और एक नेगेटिव की. जो प्लस वाली है वो तो सबको प्लस वालों को ही दे रहा है. जो ओ में जो दो कैटेगरीज हैं आपकी ओ माइनस एंड ओ प्लस, तो इसमें जो प्लस वाला है वो सिर्फ प्लस को दे पा रहा है और ओ माइनस सबको ही दे रहा है एक तरीके से. तो ओ माइनस सबसे बड़ा डोनर है. ठीक है, फिर आता है आपका ए माइनस. ए माइनस किसको दे सकता है, ए माइनस को, ए प्लस को, ए बी माइनस को और ए बी प्लस को. मोस्टली जो आपके सिंगल वाले होते हैं ना, ए ए बी, ठीक है, ये सब क्या करते हैं, ये अपने वालों को ही दे पाते हैं. ठीक है, अब इफ़ आई टॉक अबाउट ए बी, तो ए बी बहुत बड़ा रिसिपिएंट होता है, बहुत जल्दी रिसीवर, जिसे हम कह सकते हैं बहुत बड़ा रिसीवर है ए बी. अगर आप देखोगे तो ए बी प्लस जो होता है वो सबसे रिसीव कर सकता है और ओ माइनस सबको दे सकता है. तो ये दो कैटेगरीज आपको ध्यान रखनी है कि ए बी प्लस वाला सबसे रिसीव कर सकता है, वो किसी कोई भी ब्लड दे देना ए बी प्लस को, वो ले सकते हैं आराम से रिसीव कर सकते हैं. और जो आपका ओ नेगेटिव है वो सबको डोनेट कर सकते हैं और ये क्या कर सकते हैं, सबसे रिसीव कर सकते हैं. देयर इज अ बिग डिफरेंस. ठीक है, ए बी प्लस बहुत वो है कि वो किसी से भी ले लेते हैं और ओ माइनस वाले किसी को भी डोनेट कर सकते हैं, बट ले बहुत कम से सकते हैं, ले सिर्फ ओ माइनस से सकते हैं. ये दिस इज वेरी सैड कि ओ माइनस रिसीव करते टाइम सिर्फ ओ माइनस से रिसीव कर सकता है, बट डोनेट करते वक्त सबको दे सकता है. और ए बी प्लस देते टाइम सिर्फ ए बी प्लस को ही देता है, बट रिसीव करते वक्त सबसे रिसीव कर सकता है ए बी प्लस. तो रिसीवर एंड बहुत बड़ा डोनर आपको यहाँ पर दिख रहा है. दीज आर द कॉलम्स एंड योर रोज. ठीक है, ओके, दिस वॉज वेरी इंटरेस्टिंग, लेट्स मूव ऑन. ओके यस, the process of donation of blood from one person to the another that is known as blood transfusion. उसे हम क्या कहते हैं, blood transfusion. एक person से दूसरे person में blood देना, चाहे blood groups आप match करवा रहे हो, उसे हम कहते हैं blood transfusion. उस process को हम क्या कहते हैं, blood transfusion. fuse कर रहे हैं हम दूसरे की body में. before donation the blood group must be matched before transfusion of different groups can be dangerous. The RBCs of the patient receiving blood will stick together and may cause the death of the patient. ऐसा हो सकता है कि अगर हम अलग अलग ग्रुप करने की कोशिश करें तो दो RBCs कनेक्ट होके डेथ भी हो सकती है पेशेंट की. तो कभी भी जब भी हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर रहे हों, दैट इज डोनेशन ऑफ द ब्लड, तो हमेशा ब्लड ग्रुप चेक करके ही करना चाहिए, वरना डेथ हो सकती है पेशेंट की. ओके, इज इट ओके, ट्रांसफ्यूजन इज ऑल गुड. लेट्स मूव ऑन टू अवर हार्ट, जिसके बारे में हमने ऑलमोस्ट सब डिस्कस कर लिया. वट आर द आर्टरीज, वट आर द वेन्स, बेसिकली प्रोसेस क्या है. नाउ वी गोइंग टू डिस्कस अबाउट इट, इट्स स्ट्रक्चर. ओके, गिव मी अ मिनट. ओके,
हार्ट इज एन ऑर्गन विच बीट्स कंटिन्यूसली एज अ पंप फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ ब्लड कैरिंग अदर सब्सटेंसेस विद इट थ्रू अ नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स. यू हैव डिस्कस अबाउट ऑल द ब्लड वेसल्स, चाहे कैपिलरीज हो, चाहे आपके आर्टरीज हो, चाहे आपके वेन्स हो, सारी ट्यूब्स की हमने बात करी, सारे नेटवर्क सिस्टम की हमने बात कर ली है. तो हार्ट एक ऐसा ऑर्गन है जो सारी बीटिंग करता है, सारी पंपिंग करता है आपकी ब्लड की पूरी बॉडी में. नाउ द हार्ट पंप्स ब्लड थ्रू आउट अवर बॉडी विदाउट स्टॉपिंग और रिलैक्सिंग. द थिंग इज दिस इज द वेना कावा एंड ओरोटा जो आपने देखा था, सबसे बड़ी आर्टरी जो क्या कर रही थी, हार्ट से पूरी बॉडी में ले जा रही थी, दैट इज हेयर. ठीक है, ये रहा आपका ओरोटा. ठीक है, तो लंग से जब ब्लड आता है ऑक्सीजनेटेड, वो पहुंचता है आपका लेफ्ट साइड, और आपके ओरोटा क्या करता है, वो सारा अच्छा खासा ब्लड पूरी बॉडी में फैला देता है. ठीक है, अभी हम डिस्कस करेंगे मैकेनिज्म, डोंट वरी. सो बेसिकली हो क्या रहा है, यहाँ पर आपका ओरोटा है, यहाँ आपकी वो है पल्मरी आर्टरी एरी. ठीक है, जो वापस आपका क्या कर रही है, लंग्स में भेज रही है. ठीक है, पल्मरी वेन्स एरी छोटी छोटी. ठीक है, आपके वैवल्स, लेफ्ट वेंट्रिकल. आपको पता होना चाहिए कि आपके हार्ट में चार चेंबर्स हैं जिनकी हम बात करेंगे. योर हार्ट हैज फोर चेंबर्स जो रिसीव और ऑफकोर्स बाहर रिलीज भी करते हैं. सो द फर्स्ट वन इज लेफ्ट आर्ट्रियम, लेफ्ट वर्ट्रिकल, राइट आर्ट्रियम एंड राइट वर्ट्रिकल. तो वेंट्रिकल्स हैं, आर्ट्रियम्स हैं, देयर आर टू आर्ट्रियम्स एंड टू वेंट्रिकल्स लेफ्ट एंड राइट में. ठीक है, बस आपको ये ध्यान देना है. और इन दो चेंबर्स को अलग करने वाला है बीच में एक बहुत बड़ा पार्टीशन, दैट इज योर स्पेक्ट्रम. ठीक है, ये स्पेक्ट्रम क्या है आपका, दिस स्पेक्ट्रम एक्चुअली सेपरेट्स योर लेफ्ट एंड राइट. जो भी आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट में लगातार आ रहा है आपका, वो मिक्स ना हो, इसीलिए इनके बीच में एक पार्टीशन हमेशा होगा. पार्टीशन अगर मैं नहीं रखूंगी तो ब्लड मिक्स हो जाएगा और आपकी बॉडी को नहीं पता चलेगा, आपके ब्लड को नहीं पता चलेगा कि मैं कौन सा कैरी करवा रहा हूँ, डीऑक्सीजनेटेड या ऑक्सीजनेटेड. अब बॉडी में मेरे को ऑक्सीजनेटेड चाहिए कि पूरे पार्ट्स में ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाए. मिक्स हो गया, डीऑक्सीजनेटेड मिक्स हो गया, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड, वेस्ट प्रोडक्ट सब मिक्स हो रखा है और बॉडी पार्ट्स में पहुंच रहा है, तो बॉडी पार्ट भी बोलेगी भाई ये थोड़ी पहुंचाना था, कुछ और पहुंचाना था. तो अगर चीज़ें मिक्स हो जाएंगी तो फिर फ़ायदा नहीं है. तो हार्ट में भी जब चीज़ें, दोनों चीज़ें आ रही हैं, तो वो मिक्स नहीं होनी चाहिए, उसके लिए पार्टीशन बीच में है. ठीक है, ओके. लोकेशन ऑफ द हार्ट कहाँ पर है, आपको दिख रहा है यहाँ पर आपका हार्ट पूरा. The heart is located in the chest cavity slightly towards the left. थोड़ा सा left side में है, पूरा left नहीं है, थोड़ा सा left है. It lies between the two lungs and जो दो lungs है आपके उसके बीच में आपको दिख रहा होगा, and above the diaphragm of the lungs. जो diaphragm में आपका contract और relax होता है उसके just ऊपर है आपका heart. The heart is made up of special muscles of cardiac muscles. Muscles कौन से आपके, cardiac and do not fatigue and are not solid muscles. बहुत सॉलिड भी नहीं है और थकती भी नहीं है. द साइज ऑफ अर हार्ट इज रफली इक्वल टू आवर लेफ्ट क्लोज एंड इज इनक्लोज इन अ प्रोटेक्टिव कवर कॉल पेरिकार्डियम फिस्ट. कई बार हम कहते हैं कितना बड़ा है हमारा हार्ट, ठीक है, ऐसे हम फिस्ट से पहचान सकते हैं. व्हेन वी क्लोज द फिस्ट द हार्ट इज अ हॉलो, इज हॉलो इनसाइड. ठीक है, वैसे उसको सिर्फ ब्लड का ही काम है टू पम्प इट इन राइट डायरेक्शन, वैसे उसमें और कुछ नहीं है. ठीक है, सो ये कार्डिक मसल्स हैं, हॉलो है और फिस्ट के साइज का है, बीच में है, अ लिटिल बिट ऑन द लेफ्ट साइड, दोनों लंग्स के बीच में है, डायफ्रेगम के जस्ट ऊपर है. तो ये आपकी लोकेशन है आपकी हार्ट की. ठीक है, इफ आई से स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट, ठीक है, लेट्स जस्ट टॉक अबाउट दिस नाउ. हार्ट हैज फोर कंपार्टमेंट्स दैट आर नोन एज चेंबर्स. द अपर टू चेंबर्स ऑफ द हार्ट आर कॉल्ड आर्ट्रियम. जिस मैंने आर्ट्रियम दिखाया था ना आपको, जो ऊपर वाले थे लेफ्ट एंड राइट, दैट इज नोन एज योर आर्ट्रियम. वो फर्स्ट टू चेंबर्स हैं और नीचे है लेफ्ट एंड राइट वेंट्रिकल्स. ठीक है, तो ये चारों मिला के आपके क्या है, चार चेंबर्स आपके हार्ट के. नाउ द आर्ट्री एंड वेंट्रिकल्स आर सेपरेटेड बाय वैवल्स एंड दीज आर द मस्कुलर फ्लैप्स दैट अलाउ द ब्लड टू फ्लो इन वन डायरेक्शन. ऑफकोर्स वैवल्स यहाँ पर भी होते हैं हार्ट में, जैसे आपके वेन्स में थे, ताकि एक ही डायरेक्शन में फ्लो हो सके, इधर उधर ना भागे ब्लड. ठीक है, द राइट साइड ऑफ द हार्ट कैरीज डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड वाई द लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट कैरीज द ऑक्सीजनेटेड ब्लड. जो आपका लेफ्ट साइड था वो क्या कैरी कर रहा है आपका, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और जो राइट साइड है वो कैरी करता है आपका डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड. ठीक है, ये क्लियर रखना कि कहाँ आएगा आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड,
फिर बॉडी पार्ट में जाएगा, और कहाँ से बॉडी पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से लंग्स की तरफ जाएगा, ठीक है। तो ये आपको डायरेक्शन बस ध्यान रखने की, ऐसे चलेगी लेकिन क्लॉक वाइज थिंग, ठीक है। लेफ्ट में आया ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स, बॉडी पार्ट्स में गया, और फिर बॉडी पार्ट से आया आपका सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, लेफ्ट में गया और लेफ्ट से पंप हुआ वापस लंग्स में, ताकि वो वापस से ऑक्सीजनेटेड ब्लड बन सके। ओके, सो द राइट साइड ऑफ द हार्ट कैरीज द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड व्हाइल द लेफ्ट साइड कैरीज द ऑक्सीजनेटेड ब्लड। द हार्ट इज सेपरेटेड बाय द पार्टीशन कॉल्ड स्पेक्ट्रम। वो जो आपको दिखा रही थी पार्टीशन, वो है हमारा स्पेक्ट्रम, ठीक है, लेफ्ट एंड राइट को सेपरेट करने के लिए, ताकि आपको ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स ना हो, ठीक है। दिस प्रिवेंट्स मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इनसाइड द हार्ट, ठीक है। अच्छा, ये रहा आपका पूरा हार्ट का स्ट्रक्चर, एंड दिस इज द बिगेस्ट आर्टरी जो बॉडी पार्ट्स में पहुँचाएगी। ये पहुँचाएगा लंग्स में, ये पहुँचाएगा लंग्स से हार्ट में। डायरेक्शन देखो ध्यान से, आपको डायरेक्शन दे रखी है, राइट। ब्लड का फ्लो देखो बॉडी पार्ट्स की तरफ है, यहाँ पर आपका लंग्स की तरफ है, यहाँ पर आपका क्या है अंदर आ रहा है, ठीक है, लंग्स से हार्ट में प्योर ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो देखो आपको पता है कि जो पल्मरी वेन्स थी वो लंग्स से हार्ट में लेके आ रही थी, तो देखो लेफ्ट में जा रहा है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। अब यहाँ पर आर्टरी क्या कर रही थी आपकी पल्मरी आर्टरी, हार्ट से डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी पार्ट से जो कलेक्ट हुआ है वो लंग्स में पहुँचा रही थी, तो इसलिए फ्लो बाहर को है, ठीक है। और वो आ कहाँ से रहे थे, देखो राइट से, ये राइट से आ रहा है आपका, राइट से कनेक्टेड है, तो राइट में हमेशा डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा और लेफ्ट में हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। तो सारी एक्टिविटी जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड की थी वो आपको लेफ्ट में दिखेगी, और जो आपकी डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड की थी वो सारी आपको राइट में दिखेगी। जब प्लीज कंफ्यूज मत होना, जो आपका लेफ्ट हैंड है बनाते वक्त वो राइट पार्ट है आपका, ठीक है। ओके, सो पल्मरी वेन्स आपका ये हिसाब हो गया, ठीक है, वो क्योंकि लंग से लेके आ रही है तो वो लेफ्ट में ही घुसेंगी, लेफ्ट आर्ट्रिकम में जाएंगी, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएंगी, और फिर अरोटा में जाके। मैं पहले बात ही कर लेती हूँ आपका डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड की, ठीक है, सॉरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड की। तो हुआ क्या, लंग से आया पहले पल्मरी वेन्स ने, लंग से पहले हार्ट में घुसाया उसको, लेफ्ट आर्ट्रिकम में गया ब्लड, ठीक है, और फिर गया लेफ्ट वेंट्रिकल में, फिर वो यहाँ एंटर हुआ, और ये स्पेक्ट्रम अलाउ कर रहा है ताकि वो राइट में ना घुसे, यहाँ से एंटर हुआ और ये गया अरोटा में, सॉरी अरोटा नहीं ओटा में, तो सॉरी ओटा में। ये आपकी आर्टरी पूरी बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड को फैला देगी। ये आपको समझ आया कि कैसे लंग्स से हार्ट से लेके बॉडी पार्ट्स में आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड चला गया। लंग से हार्ट से, और फिर क्या हुआ, लंग्स हार्ट एंड देन होल बॉडी पार्ट में आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड चला गया। अब हमें रिवर्स देखना है कि कैसे आपका बॉडी पार्ट से सारा डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड कलेक्ट करके हार्ट में लंग्स तक पहुंचता है। तो वो आपका राइट साइड में होगा और ये होगा आपका लेफ्ट साइड में, ठीक है। सो लेट मी ड्रॉ दिस अगेन। अब होना क्या, बॉडी पार्ट से कौन कलेक्ट करेगा, वेन्स। सो वेन्स की बात करते हैं हम। ओके, सो यस, आपका हो क्या रहा है कि वेन्स की बात हमने कर ही नहीं थी, और ये मैंने गलत कलर चूज कर लिया है, ठीक है। सो अब हमें बात करना है वेन्स की, ठीक है। आपका जो सुपीरियर वेना कावा है वो लेफ्ट आर्ट्रियम में घुसाएगा सारा, जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड है वो जाएगा राइट में वेंट्रिकल में दूसरे चैम्बर में और सीधे बाहर, ठीक है, और ये गया अब लंग्स में वापस, ठीक है, पल्मरी आर्टरी के थ्रू ही लंग्स में वापस गया। दिस इज डीऑक्सीनेटेड ब्लड जो राइट साइड में ही है, लेफ्ट में नहीं घुसा है, ठीक है। तो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगता है हार्ट का, बट इट इज़ नॉट। तो बॉडी से हार्ट और लंग्स में राइट वेंट्रिकल और आर्ट्रियम के थ्रू होते हुए वो पहुंचा लंग्स में वापस, ठीक है। सो आपको वेन्स का नाम भी दे रखा है, सुपीरियर वेना कावा एंड इंफीरियर वेना कावा, ठीक है। सो दिस इज द होल थिंग, और दिस इज द स्पेक्ट्रम। लेफ्ट एंड राइट साइड हमने बात कर ली है ऑलरेडी, आई होप नथिंग इज लेफ्ट। या इट इज रिटन दैट इफ यू मिक्स देम
बॉडी विल नॉट गेट इनफ ऑक्सीजन एंड रेस्पिरेशन आपका ढंग से नहीं हो पाएगा अगर आपने दोनों ब्लड को मिक्स कर दिया. हार्ट बीट की अगर मैं बात करूँ तो मैंने बताया आपको हार्ट बीट आपकी कितनी रहती है, दैट इज़ फ्रॉम द पल्स रेट एंड द रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन. जो आपका हार्ट पम्प कर रहा होता है मसल्स के थ्रू, वो लगभग धबक ऐसे करके आपका होता रहता है आपका हार्ट, ठीक है, धक धक जिसे हम कहते हैं. सो दिस इज़ योर हार्ट बीट एंड वो पम्प कर रहा होता है रेगुलरली आपका ब्लड, ठीक है. 72 to 80 बीट्स आपको पर मिनट दिखेंगी रेस्टिंग में, मतलब जो नॉर्मल जैसे मैं बैठी हुई हूँ तो 72 and 80 बीट्स होंगी. अगर इफ़ आई एम एक्सरसाइजिंग एंड रनिंग देन इट माइट बी हायर, ठीक है. ओके, सो इट सप्लाइज द ब्लड, इसी वजह से आपका वो पम्प कर रहा होता है. ओके, सो स्टेथोस्कोप क्या होता है? स्टेथोस्कोप इज समथिंग, इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट दैट इज़ यूज बाई डॉक्टर्स. यू मस्ट हैव सीन इट, ऐसे पहन रखा होता है उन्हें नेक के अराउंड. थिंग इज द हार्ट बीट, जो आपकी हार्ट बीट होती है उसको सुने कैसे कि कैसी हार्ट बीट चल रही है आपकी, इरेगुलर चल रही है, रेगुलर हार्ट बीट है, तो इस इंस्ट्रूमेंट के थ्रू हम पहचान सकते हैं. इट इज़ यूज बाई डॉक्टर्स टू एम्पलीफाई द साउंड ऑफ हार्ट. इट कंसिस्ट ऑफ व्हाट पार्ट्स? ईयर पीसेस होते हैं उनके कानों में लगाने के लिए, ईयर ट्यूब होती है सो दैट पहुँच सके, बेल एंड स्टेम होगा, यहाँ पर बेल होगा जो हम हार्ट के आसपास लगाते हैं, दिस ट्यूबिंग सो दैट पूरा कान तक पहुँच सके, दिस इज़ द होल हेडसेट बेसिकली आपका स्टेथोस्कोप का. सो अ चेस्ट पीस दैट कैरीज अ सेंसिटिव डायफ्रेगम टू ईयर पीसेज, अ ट्यूब जॉइनिंग बोथ द पार्ट्स, ठीक है, दिस इज द होल स्टेथोस्कोप का, पूरे पार्ट्स हैं इंस्ट्रूमेंट के, ठीक है. ओके, सो यस, दिस इज द होल प्रोसेस एंड या स्टेथोस्कोप यही आपका इंस्ट्रूमेंट बेसिकली. इसका काम क्या है? टू एम्पलीफाई द साउंड ऑफ द हार्ट, ठीक है. जो हार्ट बीट आपको हल्की सी मे बी चल रही होगी आपकी, उसको एम्पलीफाई करके अच्छे से सुन पाए हम, इसलिए ये इंस्ट्रूमेंट होता है, ताकि उसकी साउंड थोड़ी इंक्रीज कर सके हार्ट बीट की और हम सुन सके बेसिकली क्या पैटर्न चल रहा है हार्ट बीट का थ्रू योर स्टेथोस्कोप. चले, नाउ डॉक्टर्स गेट टू नो अबाउट द कंडीशन ऑफ हार्ट बाय लिसनिंग टू द साउंड थ्रू अ स्टेथोस्कोप, ठीक है. डॉक्टर्स गेट टू नो अबाउट द कंडीशन ऑफ हार्ट बाय लिसनिंग टू द साउंड थ्रू अ स्टेथोस्कोप. ओके, मैकेनिज्म सर्कुलेशन में ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि जो आपका ब्लड है वो पहले कैपिलरीज, आपको पता है कैपिलरीज छोटी वाली वेसल्स हैं जिससे सारा सब्सटेंस इधर से उधर जाता है, सेल से वापस ब्लड में थ्रो करना, या ब्लड जो जैसे कि मेल मैन आता है आपका लास्ट में लेटर देके चल जाता है ना, वो काम कैपिलरीज करती है. तो ब्लड से वापस सेल में देना है, सेल को वापस ब्लड में देना, जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है वो काम कैपिलरीज बीच में करती हैं, छोटा छोटा काम, ठीक है. ओके, सो तब फिर मिक्स होगा, इज मिक्स विद द ऑक्सीजन, ऑक्सीनेटेड ब्लड इज कैरिड लंग्स से लेफ्ट ऑरिकल में, चारों पल्मरी वेन्स में, देन लेफ्ट आर्ट्रिकम कॉन्ट्रैक्ट एंड ऑक्सीनेटेड ब्लड इज पुश्ड इनटू द लेफ्ट वेंट्रिकल्स. जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा, जो ऊपर वाला चैम्बर है लेफ्ट का, वो नीचे वाले वेंट्रिकल वाला जो लेफ्ट वेंट्रिकल है उसमें फेंकेगा ब्लड को, ताकि ये फ्लो हो सके, ठीक है. फिर वेंट्रिकल पम्प करेगा आपके बिगेस्ट ब्लड वेसल में जो कि है ओर्टा, ठीक है. फिर उसके बाद वो पूरी बॉडी में पहुंचाएगा, फिर कैपिलरी वापस से लेंगी डीऑक्सीनेटेड ब्लड, जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है उसको ब्लड में फेंकेगी, डीऑक्सीनेटेड ब्लड होगा वो, वापस पहुंचेगा आपके वेन्स के थ्रू कहाँ पर? राइट आर्ट्रियम में. राइट आर्ट्रियम में पहुंचने के बाद जब वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो वो राइट वेंट्रिकल में पहुंचेगा, वैवल खुलेगी एंड राइट वेंट्रिकल पंप करेगा इम्प्योर ब्लड दैट इज द डीऑक्सीनेटेड ब्लड पल्मरी आर्टरीज के थ्रू आपके लंग्स में फॉर द प्योरिफिकेशन. कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स से रिलीज हो जाता है इस टाइम पे एंड फिर से ऑक्सीजन मिक्स करा जाता है ब्लड में सो दैट इट कैन अगेन बी कैरिड आउट थ्रू द होल बॉडी, ठीक है. ब्लड वापस से एब्जॉर्ब करता है ऑक्सीजन को एंड बिकम्स ऑक्सीनेटेड एंड दिस इज हाउ वी रेगुलेट द ब्लड फ्रॉम वन चेंबर टू द अनदर. दिस साइकिल कंटिन्यूज थ्रू आउट द डे, ठीक है. ओके, सर्कुलेशन इन स्पॉन्जेस एंड हाइड्रा. नाउ अगर हम बाकी एनिमल्स की बात करें, स्पेशली द वाटर बॉडीज में हैं, स्पॉन्जेस एंड हाइड्रा ऐसे एनिमल्स हैं, इनके पास कोई सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होता. दे लिव इन वाटर और जो भी पानी में खाना उनका ऑक्सीजन मिक्स है वो वहीं से यूज़ करते हैं. तो बेसिकली पानी के थ्रू ही उनका फूड एंड ऑक्सीजन कैरी हो रहा होता है. द वाटर ऑल्सो कैरीज कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर वेस्ट मटीरियल अवे फ्रॉम द बॉडी एज इट मूव्स आउट ऑफ देयर बॉडीज, ठीक है. एक्सक्रीशन, अब लास्ट है आपका, एक्सक्रीट कैसे होती चीज़ें. The process of removal of waste materials produced in the cells of living organism is called your excretion.
जब भी हमें वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकालना होता है उसे हम कहते हैं एक्सक्रीट करना. वेन आवर बॉडी यूजेस फूड वाटर एयर इट समहाउ प्रोड्यूसेस सम बाय प्रोडक्ट्स एंड अनवांटेड सब्सटेंसेस दैट वी डोंट वांट इन आवर बॉडी. वन ऑफ देम इज यूरिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड स्वेट एज वेल. स्वेट भी आपका बाहर निकलता है, वो सब हमें नहीं चाहिए होता. अनवांटेड सॉल्ट्स देन यू हैव योर यूरिया, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब चीज़ें हमें नहीं चाहिए. दीज आर ऑल योर वेस्ट प्रोडक्ट्स. ठीक है, तो सेल्स जब ये बाय प्रोडक्ट्स बना देते हैं तो वो वापस ब्लड में फेंक देते हैं और ब्लड वापस एक्सक्रीटरी सिस्टम का एक्सक्रीशन की तैयारी करता है. ठीक है, सो किडनी यूरिया, स्वेट ग्लैंड स्वेट फेंकते हैं आपका, कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स फेंकता है. तो लंग्स का काम होता है एक वेस्ट प्रोडक्ट को फेंकना. ठीक है, ब्लड कैरी करवाता है पूरा यूरिया, तो वो पानी में मिक्स हो जाता है और वो बाहर चले जाता है आपका. एंड देन यू हैव स्वेट, तो वो तो स्वेट ग्लैंड्स बाहर फेंक देता है. ठीक है, दिस इज द होल एक्सक्रीटरी सिस्टम. अब एक्सक्रीटरी सिस्टम की अगर बात करूँ ह्यूमंस में, तो आप देखोगे यहाँ पर किडनी है, यूरेट्रा है. यूरेट्रा आपके दोनों है लेफ्ट एंड राइट, जो कनेक्टेड है आपकी किडनी से. और किडनी और ब्लैडर जो आपका है, जो कलेक्ट करता है आपका पूरा यूरिन, उनके बीच में कनेक्टर्स कौन है? यूरेट्रा. यूरेट्रा लेफ्ट और राइट दोनों कनेक्टेड है किडनी और ब्लैडर से. ठीक है, यूरेथ्रा है लास्ट ओपनिंग जहाँ से यूरिन निकलेगी. ओके, अनदर थिंग इज यूरिया इज अ मेजर वेस्ट प्रोडक्ट रिलीज इन आवर बॉडी. इट इज प्रोड्यूस एज अ वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ द डीकम्पोजिशन ऑफ अनयूज्ड प्रोटीन्स इन द लिवर. लेवर में जो प्रोटीन्स हम यूज नहीं कर पाते, वो उससे एक बाय प्रोडक्ट निकलता है जिसे हम कहते हैं यूरिया. वो तभी होता है जब प्रोटीन्स अनयूज रह जाते हैं. इट इज़ अ वेरी पॉइजनस सब्सटेंस विच मस्ट बी रिमूव फ्रॉम आवर बॉडी. ना यूरिया फ्रॉम द ब्लड इज रिमूव बाय द किडनी. अब ब्लड से तो कोई छोड़े पहले यूरिया को, वो छोड़ने का काम होता है किडनी का. किडनी करवाता है कि ब्लड से यूरिया अलग हो सके. ठीक है, therefore the kidney is the main excretory organ in our body and the urea and the other unwanted salts when dissolving in water form a yellowish liquid waste called urine. तो जब भी आपका ऐसा होता है कि kidney is the main excretory organ in our body और जब भी वो blood से urea को अलग कर रही होती है, last में urea और बहुत सारे unwanted salt और आपका पानी मिला के बनाता है urine जो आप बाहर excrete पूरा तरीके से कर देते हो. उसमें कोई ब्लड थोड़ी आ रहा होता है, उसमें ब्लड नहीं होता है ना, उसमें ब्लड कभी नहीं होता. तो ब्लड हमेशा किडनी फिल्टर कर देती है. किडनी के पास बहुत सारे फिल्टर्स होते हैं, तो सो दैट आपका ब्लड और यूरिया अलग हो सके. ठीक है, तो किडनी इज वन ऑफ आवर फिल्टर्स जो आपके ब्लड से यूरिया को अलग करते हैं और फिर यूरिया जाके मिक्स हो जाता है आपके वाटर अनवांटेड सॉल्ट्स. यूरिया जाके मिक्स हो जाता है किसमें? आपका पानी में. देन यू हैव व्हाट? योर अनवांटेड सॉल्ट्स एंड देन यू हैव योर ऑफ कोर्स ये सब मिला के क्या बनेगा आपका? यूरिन. ये पूरा मिला के क्या बनेगा आपका? यूरिन. ठीक है, वाटर, अनवांटेड सॉल्ट्स, यूरिया विल कलेक्टिवली मेक अ लिक्विड दैट विल बी नोन एज यूरिन. तो यूरिन पूरा पानी में मिक्स होके पूरा अनवांटेड सॉल्ट्स मिक्स करके बना रहा है आपका यूरिन. ठीक है, जो कि आप एक्सक्रीट आउट कर दोगे. तो बेसिकली पहली बात तो ब्लड और यूरिया को अलग किसने किया? वो फिल्टर है आपका किडनी. ठीक है, सो इट कंसिस्ट ऑफ 2.5% ऑफ यूरिया, 2.5% ऑफ अदर वेस्ट सॉल्ट्स एंड 95% वाटर. तो पानी बहुत होता है आपकी यूरिन में, तो जो भी पानी आपका वेस्ट प्रोडक्ट की तरह बाहर निकलता है वो मिक्स हो जाता है. एंड इसमें 2.5% सॉल्ट एंड 2.5% यूरिया. एन एडल्ट ह्यूमन बीइंग नॉर्मली पासेस आउट 1 से 1.8 लीटर्स ऑफ यूरिन पर डे. हम यूरिन एटलीस्ट 1 से 1.8 लीटर्स तो थ्रो करते हैं अपनी बॉडी से बाहर एक दिन के अंदर. डिपेंड करता है पानी कितना पीते हो, उसमें भी डिपेंड करता है. तो एक्सक्रीटरी सिस्टम कलेक्ट्स द यूरिन एंड रिमूव इट. एक्सक्रीटरी सिस्टम में ह्यूमन बीइंग में आता है 2 किडनीज, 2 ureters and एक bladder and urethra. ठीक है, सो इफ आई टॉक अबाउट दिस किडनी, ये बिल्कुल राजमा दाल की तरह लगते हैं.
ठीक है, वी ऑलवेज यूज टू से दिस कि राजमा दाल की तरह किडनी बीन्स जिसे हम कहते हैं ना, किडनी का काम होता है दीज आर द मैजिक फिल्टर्स। बेसिकली ये मैजिक फिल्टर्स क्यों कहलाते हैं, क्योंकि ये ब्लड और बाकी सब्सटेंसेस को अलग कर देते हैं, ब्लड उसके आगे नहीं जाएगा। सो जस्ट अबव द वेस्ट आपको ये किडनी दिखेगी एंड इट इज ब्रिक रेड कलर एंड 4 इंचज लॉन्ग होते हैं। इट इज रिचली सप्लाइड विद ब्लड वेसल्स एंड किडनी कैन फिल्टर द अनवॉन्टेड सब्सटेंस फ्रॉम द ब्लड आराम से। सो किडनी कैन फिल्टर द अनवॉन्टेड सब्सटेंसेस फ्रॉम द ब्लड, ठीक है, आराम से आपका किडनी अनवांटेड सब्सटेंस को अलग कर देता है ब्लड से। एंड ईच किडनी कंसिस्ट ऑफ थाउजेंड्स ऑफ टाइनी फिल्टर्स कॉल्ड नेफ्रॉन्स, ठीक है, जो फिल्टर्स का नाम है वो है नेफ्रॉन्स। लेट मी यूज सम अदर कलर, जो फिल्टर्स हैं वो क्या है इनके, किडनी के नेफ्रॉन्स। सो बेसिकली नेफ्रॉन्स ही फिल्टर करते हैं एंड वेन द ब्लड कंटेनिंग यूरिया एंड अदर वेस्ट सॉल्ट पास थ्रू दीज नेफ्रॉन्स, ये फिल्टर कर देते हैं सारा यूरिया सॉल्ट और यूरिन इज लेफ्ट ओनली। तो यूरिन ही बाद में यूरेटर के थ्रू आपका यूरेथ्रा में जाता है, ब्लैडर में कंटेन हो जाता है, ठीक है, तो वो सिर्फ यूरिन होता है और कुछ कंटेन नहीं हो रखा होता ब्लैडर के अंदर। ब्लैडर में सिर्फ यूरिन पहुँचता है जिसमें आपका 95% पानी है, ठीक है, और बाकी अनवॉन्टेड सॉल्ट और यूरिया है। तो ये हुआ क्या, ये कैसे गया, तो बेसिकली इनसे बहुत सारी चीज़ें कनेक्टेड हैं, बट ये फिल्टर कर चुके होते हैं ब्लड को अलग, ब्लड को अलग एंड यूरिया को अलग, तो वो आपका अलग जाके नीचे चले जाता है, ठीक है। तो ये फिल्टर्स कौन से होते हैं इनके अंदर, वो होते हैं नेफ्रॉन्स। इनके थ्रू जब ब्लड होते हुए जाता है तो ब्लड अलग हो जाता है और उनका जो अनवांटेड सब्सटेंसेस हैं, जो मेरी हैंड राइटिंग क्यों इतनी ज़्यादा बुरी है, जो अनवांटेड सब्सटेंसेस हैं वो अलग हो जाते हैं, जैसे यूरिया वो सॉल्ट्स वगैरह वो सब अलग हो जाएगा आपका और ब्लड अलग हो जाएगा थ्रू द फिल्टर्स नोन एज नेफ्रॉन्स। नाउ अब द थिंग इज प्रोसेस क्या है, सो यूरिन थस फॉर्म्ड बाय ईच किडनी इज देन पास थ्रू द यूरेटर। जब क्यू ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं ये किडनी से आपके ब्लैडर में कनेक्टेड है, तो हो क्या रहा है अभी कि ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर कनेक्टेड है सो दैट आपका पास हो सके यूरिन एंड यूरिन इज स्टोर्ड इन द ब्लैडर फॉर सम टाइम, उसके बाद आप उसको रिलीज कर देते हो थ्रू यूरेथ्रा। यूरेथ्रा ओपन होता है वो नीचे रिलीज हो जाता है। दिस इंजेक्शन, इजेक्शन इज समथिंग टू रिलीज, ठीक है, इंजेक्शन क्या होता है आपका, इजेक्शन होता है आपका टू रिलीज समथिंग। तो यूरिन जो आपका स्टोर हो रखा है ब्लैडर में उसको रिलीज करना इज मिक्ट्यूरेशन, उसे कहते हैं मिक्ट्यूरेशन। तो यूरिन को रिलीज करना है मिक्ट्यूरेशन एंड द ओपनिंग ऑफ द यूरिन यूरिनरी ब्लैडर is controlled by the ring of muscle called the bladder sphincter. When the bladder becomes full with the urine, आपका urethra open हो जाता है and urine आपका बाहर हो जाता है। तो एक limit तक हम bladder में urine store कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि store ही हो रखा है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड इज अ वेस्ट प्रोडक्ट जो आपके लंग्स से एक्सहेल होते वक्त बाहर निकल आता है, ठीक है। जब आपका डीऑक्सीनेटेड ब्लड जब लंग्स में वापस पहुँचता है तो ये हम एक्सहेल आउट कर देते हैं, ठीक है। Last is your sweat. It is a liquid waste of the body that is produced by the sweat gland. Present, इससे भी आपकी बाकी unwanted चीज़ें ही बाहर निकलती है। अब urine से निकले, sweat से निकले, निकालम unwanted चीज़ें रहे body से, but ये निकलते कहाँ से, sweat gland से। इसका कोई और excretory system है, that is a sweat gland. तो unwanted salt, urea थोड़ा बहुत और पानी आपका mix होता है आपके sweat में और वो बाहर निकल आता है आपकी body से skin के through. और गर्मियों में और स्वेटिंग होती है और इससे हमें दो फायदे होते हैं। एक ये होता है कि एक तो टॉक्सिक चीज़ें बाहर निकल गई और दूसरा ये होता है कि समर टाइम पे आपको ठंडा ठंडा फील होता है जब स्वेटिंग होती है, ठीक है। सो यू विल सी दिस कि जब भी ऐसा होगा तो वाटर, सॉल्ट और यूरिया जब भी आपके बॉडी से बाहर निकलेंगी, एक्सेस जब भी हो जाता है इन चीज़ों का, तो स्वेटिंग से जब ये चीज़ें बाहर निकलती हैं तो होता क्या, आपकी बॉडी भी कूल फील करती है। आपकी बॉडी भी कूल फील करती है एंड ये सब चीज़ें भी आपकी बाहर निकल आती हैं, ठीक है। दो फायदे होते हैं स्वेटिंग से। ओके, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डायलिसिस? डायलिसिस समथिंग जब हमारी किडनी नॉर्मल फंक्शन नहीं करती। सो आपको पता है किडनी का काम है ब्लड
और बाकी अनवांटेड सब्सटेंस को अलग करना। अगर आपकी किडनी फिल्टर्स रहेंगे ही नहीं तो आप कैसे वर्क करेंगे आपकी बॉडी, तब तो अनवांटेड चीज़ें मिक्स हो जाएंगी बॉडी के अंदर। तो किडनी अगर नॉर्मल फंक्शनिंग करना बंद कर जाए बिकॉज ऑफ सम डिजीज या बिकॉज ऑफ आवर डेली हैबिट समथिंग लाइक दैट, तो वह क्या इन्फेक्शन इंजरी होना शुरू हो जाएगी आपकी बॉडी में, इन्फेक्शन होना चालू हो जाएगा। सो यस, ये कंडीशन तब होती है जब किडनी फेलियर हो जाता है, और डायलिसिस हम कर सकते हैं। दिस इज़ वन ऑफ द मेथड कि आप ऐसे अपनी बॉडी को बचा सकते हो, फिल्टर करवा सकते हो। सो ये चीज़ें बाहर निकलनी चाहिए आपकी बॉडी में। तो हाउ टू सर्वाइव, तो होता क्या है जब ऐसा नहीं होता तो आर्टिफिशियल किडनी मशीन लगाई जाती है बॉडी के अंदर, सो दैट पीरियोडिकली आपकी चीज़ें फिल्टर होती रहे, ठीक है। एंड द प्रोसेस यूज फॉर क्लीनिंग द ब्लड ऑफ अ पर्सन बाय सेपरेटिंग द वेस्ट प्रोडक्ट पीरियोडिकली थ्रू अ आर्टिफिशियल किडनी मशीन, उसे हम कहते हैं डायलिसिस, ठीक है। जिससे आपका यूरिया जो नॉर्मली बॉडी निकाल रही थी वो सब निकल सके, तो एक आर्टिफिशियल चीज़ लगानी पड़ेगी जब अपनी पार्ट काम नहीं कर रहा, तो वी हैव टू यूज समथिंग आर्टिफिशियल। द लॉन्ग टर्म सोल्यूशन फॉर अ पेशेंट सफरिंग फ्रॉम किडनी फेलियर इज किडनी ट्रांसप्लांटेशन। ये भी हो सकता है कि इफ़ यू डोंट वॉन्ट टू गो फॉर द डायलिसिस जो कि रेगुलर करना पड़ेगा, ठीक है, वी कैन गो फॉर किडनी ट्रांसप्लांटेशन, जिसके लिए एक हेल्दी पेशेंट से हमें किडनी लेनी पड़ेगी और ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा अपनी बॉडी के अंदर, तब जाके मे बी किडनी जो नई किडनी है वो वर्क कर सके, ठीक है। दीज आर द टू मेथड्स, ईदर डोनेट द किडनी और ईदर यू नो सब्सटीट्यूट विद अ डोनेटेड किडनी, या यू कैन गो फॉर द डायलिसिस अगर आपकी किडनी ढंग से वर्क नहीं कर रही है, ठीक है। ओके, एक्सक्रीशन इन एनिमल्स हैपेंस द सेम वे, इनका भी वेस्ट प्रोडक्ट्स निकालने होते हैं अपनी बॉडी से। एंड फिशेज आर द एक्वेटिक एनिमल्स दैट एक्सक्रीट अमोनिया, ये अमोनिया निकालती हैं एज देयर वेस्ट प्रोडक्ट। फिशेज क्या निकालती है? अमोनिया, जैसे हम यूरिया निकालते हैं, ठीक है। एंड द लैंड एनिमल्स लाइक लिजर्ड बर्ड स्नेक्स हैव लेस वाटर अवेलेबिलिटी, सो दीज एनिमल्स एक्सक्रीट देयर वेस्ट प्रोडक्ट इन द फॉर्म ऑफ यूरिक एसिड। सबके अलग अलग कॉम्पोनेंट्स है वेस्ट प्रोडक्ट के, वेदर इट्स यूरिक एसिड और योर अमोनिया, you have to remove them because they are toxic to your body. Okay, transpiration, you all know, I have already taught you this, ki transpiration is something, jab bhi water extra ho jata hai plants ka, they remove the water through water vapor ki form mein, pores ke through, theek hai. So basically hota kya hai ki transpiration mein jo bhi water hai, extra water, wo water vapor ki form mein पोर्स के थ्रू बाहर निकल आता है, इसे हम कहते हैं ट्रांसपिरेशन। एंड वाटर और मिनरल्स कैसे आपके पूरे प्लांट्स में फैलते हैं? दैट इज़ बिकॉज ऑफ द जाइलम। जाइलम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टिंग द वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स एंड फाइलम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फूड न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। तो फूड ट्रांसपोर्ट कराने के लिए फाइलम है एंड जाइलम इज फॉर द वाटर न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। दिस इज द होल थिंग। जाइलम टिश्यू क्या करेगा? पानी को लेकर एब्जॉर्ब करेगा और ऊपर हर जगह पहुंचाएगा। यू कैन सी द एरोज, राइट? दिस इज द सेम थिंग। सो थैंक यू सो मच, आई होप आपको आज सब कुछ वन शॉट में समझ आ गया हो। दिस इज द होल चैप्टर ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। सो इफ यू डोंट नो अबाउट द अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन, प्लस सब्सक्रिप्शन में यू गेट ऑल द बेनिफिट्स इन विद द कम्फर्ट ऑफ योर होम। कितनी भी अनलिमिटेड देख सकते हो, आपको वन शॉट सब कुछ मिल जाएगा, डाउट क्लियरिंग सेशंस, एवरीथिंग। एग्जॉस्टिव कवरेज होगा, स्टडी मटेरियल पीडीएफ में मिल जाएगा, प्रैक्टिस टेस्ट, लाइव टेस्ट सीरीज, बैच कोर्सेज। अनअकैडमी के प्राइसेस कुछ ऐसे हैं कि यू कैन यूज माय कोड टू गेट 10% ऑफ, आप जो भी लो, 3 months, 6 months, 12 months, नो कॉस्ट ईएमआई इज देयर। एंड जैसे आपको बहुत कम का पड़ता है, इवन इफ यू टेक फॉर 1 year, इट इज ओनली 15,000, एंड वो भी 13,500 हो जाएगा बाय यूजिंग माई कोड। और आइकॉनिक के फीचर्स कुछ ऐसे हैं कि आपको एक पर्सनल मेंटोर मिलता है, प्लस के जितने बेनिफिट्स हैं उसके साथ साथ लाइव डाउट सॉल्यूशन, वीकली रिपोर्ट, स्टडी प्लानर, पेरेंट्स कनेक्शन, ऑल बेनिफिट्स ऑफ अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन प्लस। इसके प्राइस आप देख सकते हो, 3 months का 12,000 है, 17,000 फॉर 6 months एंड 12 months के 28,000। ऑफकोर्स यू कैन यूज माई कोड टू गेट 10% ऑफ। थैंक यू सो मच, डू लाइक द वीडियो, डू शेयर विद ऑल योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब फॉर ऑल दी अपडेट्स, एंड थैंक यू सो मच। प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड लेट्स क्रैक इट विद अनअकैडमी। बाय बाय।